Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praises to your holy name, Lord. Hallelujah. Praise your holy name. Thank you, Jesus. You are wonderful. You are beautiful. There's no one besides thee, O God. Hallelujah. Praises to your wonderful name. The amen, the faithful and the beginner of the creation of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Oh my. Hallelujah. Praises to his wonderful name. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. We welcome you in our midst, O God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. प्रभु के नाम की तारीफ हो इस प्यारे सु अवसर के लिए जो खुदावन ने हमें दिया. एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके. वो खुदावन जो कि सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्व ज्ञानी, उसने एक बार फिर से आप लोग को और मुझे मौका दिया कि खुदावन की उपस्थिति में आ सके और इस वचन को जो खुदावन हमारे बीच में बड़े अद्भुत रीति से खोल रहे हैं उसमें हम भी सब लोग शामिल हो सकें. आमेन. तो आइए इस सभा को शुरू करने से पहले हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और मैं अपने अजीज एल्डर भाई भाई टाइटस को इनवाइट करना चाहूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें. आमेन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. 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 हमारे जिंदा महान प्रभु यीशु मसीह, आपका हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी, आप अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से ऊपर इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ हाजिर होता हूँ. आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं प्रभु जी. ओ खुदा बाप, जब ये यूथ फोरम की मीटिंग है प्रभु जी, भाई और बहन प्रभु जी जगह बाय जगह से प्रभु जी इस मीटिंग में प्रभु जी ज्वाइन हो रहे हैं प्रभु जी, ज्वाइन होते हैं प्रभु जी, आप उन्हें बड़ी बरकत दें प्रभु जी, बड़ी आशीष दें प्रभु जी. आप प्रभु जी यहाँ पर स्वयं प्रभु जी एक देह को इस्तेमाल करें प्रभु जी. वो पवित्र आत्मा हमने देखा कैसे बात करता है, वो होठ को छूता है, वो होठ को लेता है, किसी होठों को लेता है और उसके द्वारा हमसे बातचीत करता है. होने दे प्रभु जी. ओ खुदा बाप, भाई के होठ को हिले प्रभु, वचन आपका हो प्रभु जी, इस देह को प्रभु जी आप इस्तेमाल करें माइटीली प्रभु जी, अपने रेवलेशन से भरें प्रभु जी और हम सब आशीषित हो सके प्रभु जी. ओ प्रभु जी, कैसे अद्भुत रीति से आप हमें इब्रानियों की पुस्तक में आगे बढ़कर लेकर के चले जा रहे हैं प्रभु जी. वो फेथ बुक के अंदर प्रभु जी आप हमें आगे लेकर के जा रहे हैं, आप हमें फाउंडेशन से निकाल कर प्रभु जी बिल्डिंग में लेकर के जा रहे हैं प्रभु जी, उस नए यरूशलेम की ओर हमें लेकर के जा रहे हैं प्रभु जी. आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी. आपसे मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी. ओ खुदा बाप, अपनी आत्मा के द्वारा आज हमसे बातचीत करें, बोलें प्रभु जी. और आज के लिए प्रभु जी वो मिस्ट्री प्रभु जी जो आपने आज हमारे लिए रखी है प्रभु जी, हम में से हर एक के ऊपर खुलने पाए प्रभु जी. एक बार और प्रभु जी इस मीटिंग की सारे कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी, पास्टर भाई को आपके हाथ में सौंपते हुए, ट्रांसलेटर भाई को आपके हाथ में सौंपते हुए और जो भाई और बहन इस मीटिंग में ज्वाइन होते सबको आपके हाथ में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद सर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. सुने और ग्रहण करें. आमेन. हालेलुया. प्रभु के नाम की तारीफ हो. आइए इबादत की शुरू में हम गीत गाएंगे. गीत का नंबर 83 इंग्लिश सेक्शन से.
द लिली ऑफ द वैली, तराई का सोसन. आमेन. हमारे खुदावन बहुत महान और खूबसूरत हैं. आमेन. सबसे प्यारा चेहरा अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है, जो इस युग में उसने अपनी दुल्हन पे प्रकट किया है. जब वो पुकारते हुए आए, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो. खुदा का धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए जो खुदावन ने हमारे ऊपर प्रकट किया है. आमेन. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. Hallelujah, he's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows hold. In temptation he's my strong and mighty tower. I have all for him forsaken and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. Hallelujah, he's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He'll never, never leave me, nor yet forsake me here. While I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna he my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, we'll see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. Hallelujah, he's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the fairest of 10,000 to my soul. Hallelujah. Amen. Hallelujah. My Lord, my Redeemer, he's the fairest of 10,000. Amen. Amen. He's beautiful beyond description. Amen. No, nobody can fathom how beautiful he is. His depths of love. Amen. Hallelujah. Praises to his wonderful name. Aren't you glad tonight? Aren't you glad tonight? Would you like to lift up your hand and say, Lord, I praise your holy name. You alone are worthy, Lord. You're the most beautiful thing I've ever met, Lord. I want to behold your face all the day long, Lord. Just look into your beautiful eyes, beautiful face, oh God. Hallelujah. Amen. 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 I see you, Lord. I see you, Lord, when you open the word, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Shall we all stand? By we sing that chorus, only believe all things are possible. We enter the word. I call upon Pastor and Brother Joshua. Only believe.
things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible, my Lord. Believe, my Jesus is here. Pastor Rush, Brother Joshua, my Jesus is here at all. Is here, my Jesus is here, my Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba, Heavenly Father, today evening once again. Yes, Lord. For this time and opportunity you've given to us. Yes, Jesus. To come in your presence. Amen, Lord. That we can meditate on your word. Under your blood we come. Yes, Father. Asking forgiveness for all our sins and trespasses, our unbelief. Yes, Lord. Wash us with your precious blood. Amen. Fill us with our Holy Spirit. Yes, Jesus. Give us grace and an unction and a fellowship that we can receive from you what we need to in this hour. Amen. As we completely surrender ourselves into your mighty hands of grace, you only lead us and guide us. Yes, and Lord. Show us the way we need to walk in. Amen, Lord. Bless the hearers of the word and let this preaching of the word do something good to the people who are hearing the message. Yes, Father. Bless everyone is my prayer. Amen. In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. Amen. 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 Turn to Hebrews chapter 4. Nikaliye Ibraniyon ka chautha adhyay. Rather chapter 6. Balki chhata adhyay. And we are reading now from verse 1 on to verse 6. Aur hum uski pehli ayat se chhati ayat tak. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. Amen. And this will we do if God permit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Under your blood we come, Lord, desirous since a time of fellowship with you. Yes, Lord. Open thy word to us and show us where we need to walk. Amen. In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. Amen. Amen. You can be seated. आप सब बैठ सकते हैं. God bless you. खुदावन आपको आशीष दें. There's a slight hum. If that could be corrected. ठीक हो पाए. God bless you. खुदावन आपको आशीष दें. Let's go on straight away into the word. आइए सीधे सीधे वचन में आगे बढ़ेंगे. While we are meditating on the subject of Hebrews, जबकि हम मनन कर रहे हैं इस विषय पे जो कि इब्रानियों का है, and we are in chapter 6, और हम छठे अध्याय में हैं, where Paul is telling us, जहां पर पौलुस हमें बता रहे हैं, and not just Paul, और केवल पौलुस नहीं, but the Omega messenger, परंतु ओमेगा संदेशवाहक, that's Brother Branham,
जो कि हमारे भाई ब्रैनम हैं। Let us go on into perfection. कि आए हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Amen. Last time I drew a small diagram before you. आमीन। पिछली दफा मैंने एक चित्र आपके सामने बनाया था छोटा। I drew just the base of the pyramid. मैंने केवल त्रिभुज का जो आधार है वो ही बनाया था। And showed how six things are connected to it. और आपको दिखाया था कि कैसे छह चीजें हैं जो उससे संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं। Six articles of faith. छह बातें हैं जो कि विश्वास की हैं। I'm not writing it today. आज मैं उन्हें लिख नहीं रहा हूँ। But then after that, पर उसके बाद, we have our rest of the pyramid. हमारे पास बाकी का जो त्रिभुज है वो है। And then we have a capstone. और फिर हमारे पास एक चोटी का पत्थर है। And what Paul is saying, और जो पौलुस कह रहे हैं वो let us go on into perfection. आओ हम इस सिद्धता में आगे बढ़ चलें। Now, if you know this, अब अगर आप ये जानते हैं, and connected with the message stature of a perfect man, और इसे जोड़ पाएं उस संदेश से सिद्ध मनुष्य का डील डॉल, going into perfection is finishing the pyramid. सिद्धता में जाने का मतलब अर्थात इस त्रिभुज को पूरा करना, in order to receive the capping. ताकि कैपिंग हो पाए, the capstone to come in your life. जो चोटी का पत्थर है आपके जीवन में आए, and we found last time, और हमने ये भी पाया पिछली दफा, there are many, बहुतेरे हैं, who come to the base, जो कि बेस तक नीचे वाले स्थान पे पहुंचते हैं, and they are not actually born again, और वास्तविकता में उनका नया जन्म नहीं होता है, and because they are not born again, और क्योंकि वो नए जन्म से रहित हैं, they have baptism, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, they hear the fundamental doctrines, वो मूल शिक्षाओं को सुनते हैं, but as time goes on, पर जैसे समय आगे बढ़ता है, they just return back, वो ठीक वापस लौट जाते हैं। I would like to draw that for you. मैं आपके लिए इसको बनाना चाहूंगा। They are those who go till here and they return back. वो वे हैं जो कि आगे जाते हैं इस स्थान तक के और फिर वापस घूम जाते हैं। And there are some who go all the way. परंतु कुछ हैं जो कि पूरे मार्ग तक के आखिर तक जाते हैं। They go on into perfection. वो सिद्धता में आगे बढ़ जाते हैं। And it is important for us to understand. और हमारे बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। People can do these six things. लोग बेशक इन छह चीजों को कर सकते हैं। Without revelation. बिना प्रकाशन के, without a new birth, बिना नए जन्म पाए हुए, without going on to be a part of the body of Christ, बिना मसीह की देह का एक हिस्सा हुए वे, and when they do it, और जब वो ऐसा करते हैं, they have a form of godliness, उनके पास एक भक्ति का भेष तो है, but they don't have the power, पर उनके पास सामर्थ नहीं है। The Bible says, "From such turn away." Bible कहती है ऐसों से दूर रहो। So they can go through all this form. तो वो इस तमाम के रूप के अनुसार तो चल सकते हैं। As the prophet used the right word. जैसे कि नबी ने सही शब्द का प्रयोग किया। Forms of reformation. सुधार के रूप। And you can find that reformations can be done. और आप जानते हैं, ये पाते हैं कि तमाम सुधार किए जा सकते हैं। But that doesn't mean that you're restored. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बहाल हो चुके हैं, पुनर्वस्था में आ गए। Some people say, I believe God. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं खुदा पे यकीन करता हूँ। If you read in the book of James, it says even devil believes in a God. अगर आप याकूब की पत्रियाँ पढ़ें, तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। That's right. So if you say I have faith in God, ये बात ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि अगर आपके मेरे पास विश्वास है खुदा में, then even devil tries to has a faith in God. तो फिर एक ऐसा विश्वास तो मानो शैतान के पास भी है। There are many who were in the prayer lines of the prophet. बहुतेरे थे जो प्रार्थना पंक्ति में आए थे नबी की। And they believe for the divine healing and they received it. और दिव्य चमाए चंगाई मात्र के लिए विश्वास भी किया और उसको प्राप्त भी कर लिया। And they believe that God can heal them. और वो ये विश्वास करते थे कि खुदा उन्हें चंगाई दे। Yet after receiving it, they never received the fullness of the word. तो भी उसको प्राप्त करने के बाद चंगाई मात्र को उनको वचन की परिपूर्णता कभी नहीं मिल पाई। So you can have even that faith. तो आप यहाँ तक कि उस विश्वास को भी पा सकते हैं। Of course, when we talk about the faith which was delivered to the saints, बेशक वो विश्वास जबकि उसके बारे में हम बात करें जो कि संतों को एक दफा सौंपा गया, that's a different thing. ये तो एक फर्क किस्म की चीज है। But this kind of faith, there are many who can show it. पर ये इस किस्म का जो विश्वास है, ये बहुतेरे हैं जो दिखा सकते हैं। Doctrine of baptisms. जिसमें बपतिस्मों की शिक्षा है। So people take baptism. तो लोग बपतिस्मा ले लेते हैं। And you find that the nominal church is tied down to these initial six things. और आप पाएंगे जो नामधारी कलीसिया है वो बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, सीमित है इन्हीं शुरुआती छह चीजों में। And they fight with each other for this.
और वो आपस में एक दूसरे झगड़ते भी हैं, लड़ते हैं इसके लिए. But nobody knows. पर कोई नहीं जानता. After this six basic things. इन छह मूल चीजों के बाद is perfection. सिद्धता पाई जाती है. And that perfection is something else. और वो सिद्धता बिल्कुल अपने में फर्क है. It is something. It's a dimension. ये कहेंगे एक आयाम है. It's a body. ये एक देह है. It's a state of mind. ये एक मन स्थिति है. It's a state of a body. ये देह की एक अवस्था है. Where the Bible is saying that you go on to that. जबकि बाइबल ये कह रही है आप आगे बढ़ के उसमें पहुंचते हैं. I'm going to go a little further with that when I'm reading the message. मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा जब मैं संदेश को पढ़ रहा हूं. And we'll notice the language which is written here. और हम गौर करेंगे उस भाषा पे जो कि यहां लिखी है. I'm now reading from para 292. और मैं 292 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं. Paul said. पौलुस ने कहा. Let's go on to perfection now. आओ हम अब सिद्धता की ओर बढ़ चलें. Now be careful when I'm reading it. अब ध्यान रखिए जब मैं इसको पढ़ रहा हूं. When this word is written, let's go on. जब ये शब्द लिखा है आओ हम आगे चलें. In other words, we are leaving a place and going to the next place. दूसरे शब्दों में हम एक जगह को छोड़ रहे हैं और अगली जगह में जा रहे हैं. We are in a move. हम एक चाल में हैं. And if we are in a move, और अगर हम एक चाल में हैं, there were only three exoduses. तो केवल तीन मात्र ही निकासियां हैं. There were 2 million who came out of Egypt. 20 लाख थे जो कि मिस्र देश से बाहर आए. But then Moses said. तो फिर मूसा ने कहा, Let's go on to the land. आओ हम उस देश की ओर बढ़ चलें. And it was only Joshua and Caleb who could make it to the land. और ये केवल यहोशू और कालेब ही थे जो उस देश में भूमि में पहुंच पाए. In the second Exodus, दूसरी निकासी में, there were many who came out. बहुतेरे थे जो बाहर निकल के आए. And it even holds today. और यहाँ तक कि आज भी विद्यमान है. They leave the world. वो दुनिया को छोड़ देते हैं. And they leave the things of the world. और वो दुनिया की चीजों को छोड़ देते हैं. They cross justification, sanctification to some extent. वो किसी हद तक के धर्मी ठहर जाने और पवित्रीकरण को भी पार करते हैं. But in order to finish the second Exodus, पर दूसरी निकासी को पूर्ण करने के लिए, let us go on to receive the Holy Ghost. आओ हम आगे बढ़े कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें. But now the point is, पर बात अब यहाँ पर ये है, who will go on to receive the Holy Ghost? कि आगे कौन बढ़ेगा पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए. That's where most of the organizations failed. यही वो जगह है जहाँ पर अधिकांश संस्थागत गिरजे सफल हो जाते हैं. And now in the third Exodus, और अब तीसरी निकासी में, a move out of the Pentecostal age, एक ऐसा भाव, एक ऐसा move जो कि Pentecostal युग से परे था, it starts from the new birth, जो कि शुरू ही होता है नए जन्म से, but let's go on to a new body, पर आओ हम आगे बढ़े एक नई देह की ओर, let's go on to a perfect state, एक हम सिद्ध अवस्था में जाएं, let's go on to a millennium, आओ हम एक हजार सालाना बादशाहत में जाएं, let's go on to an eternal realm, आओ हम एक अनंत आयाम में जाएं. That's where this message is taking you and I. यही वो जगह है जहां पर हमें ये संदेश आपको और मुझे लेके जा रहा है. We are not tied to the initial things. हम अब शुरुआती बातों से ही बंधे हुए नहीं हैं. Let's go on. आओ हम आगे बढ़ें. In other words, it's a call for an exodus. दूसरे शब्दों में एक बुलाहट है निर्गमन के लिए. And it's a call to an elect people. और ये केवल एक चुने हुए लोगों के लिए ही बुलाहट है. It's a call. Of course, this call goes to everyone. बेशक ये हर एक के पास जाती है बुलाहट. And it says like this. और ये कहती है, You came out, that's wonderful. तुम बाहर निकल आए, बहुत बढ़िया. But now let's go on into. पर अब आओ हम किसी में जाएं. Let's go on into perfection. आओ हम घुसें सिद्धता के अंदर. You see, redemption had two parts. आप पाएंगे सिद्धता में छुटकारे में दो हिस्से थे. One was the calling out. एक था बाहर बुलाया जाना. And one was going in. और एक था अंदर घुसना. You came out, that's wonderful. आप बाहर निकल आए, बहुत बढ़िया. But now the point is, are you in? पर अब बात ये है कि आप अंदर घुसे. Because if you are not in, क्योंकि अगर आप अंदर नहीं हैं, you have not fulfilled the purpose of the coming out. आपने अगर आप अंदर नहीं घुसे तो आपने खास उद्देश्य जिस उद्देश्य से आप बाहर निकल के आए थे उसको पूरा किया ही नहीं. You became like an efficient. आप एक मात्र इफ्सियो रह गए. Aim that and then relaxed. निशाना तो साधा पर उसको पूरा नहीं किया. You came out with a focus. आप एक केंद्र से लगा के आगे तो निकले लक्ष्य के साथ. But down the way you lost the goal. पर आगे चल के मार्ग में आपने अपना लक्ष्य खो दिया. You became distracted. आपका ध्यान बट गया. And that is the duty of the devil to distract you. और शैतान का कर्तव्य यही है, उसका काम ही है कि आपका ध्यान बटा दे. And that is the believer's test. और यही विश्वासी की परख है. In spite of all the distractions. तमाम ध्यान
बटाने वाली चीजों के बावजूद भी कैन स्टे फोकस्ड ऑन हिज गोल, क्या वो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रह पाता है? एंड द गोल फॉर अ बिलीवर टुडे इज अ बॉडी चेंज, और एक विश्वासी के लिए आज का लक्ष्य, आज की मंजिल एक देह बदलाव है, अ रैप्चर, एक रैप्चर है, अ परफेक्ट स्टेट, एक सिद्ध अवस्था है, व्हिच वाज वॉर्न बाय अ प्रॉफेट, जो कि एक नबी के द्वारा पहनी गई थी, व्हेन ही वेंट बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम, जब वो समय के पर्दे से परे गए थे, एंड ही सेड इट्स परफेक्शन प्लस परफेक्शन प्लस परफेक्शन, आमेन, उन्होंने कहा कि वो सिद्धता जमा सिद्धता जमा सिद्धता है। नाउ वी आर गोइंग टू दैट परफेक्शन, अब हम उस सिद्धता में जा रहे हैं, अंडर द थर्ड एक्सोडस, तीसरी निकासी के नीचे, अंडर अ कमीशन, एक ठहराई हुई सेवकाई के नीचे, एज यू हर्ड ऑन संडे, जैसा कि आपने संडे को सुना, होली गोस्ट इज द ट्यूटर, यस, पवित्र आत्मा शिक्षक है बेशक, बट होली गोस्ट स्पीक्स थ्रू हिज गिफ्ट्स, आमेन, पर पवित्र आत्मा अपने वरदानों के द्वारा बोलता है, एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ द एक्सोडस पीपल, और ये कर्तव्य है निकासी में आए हुए लोगों का, दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट गिफ्ट हैज बीन सेंट फॉर देम टू लीड देम, कि वो समझे कि किस किस्म का वरदान उनके सामने भेजा गया है ताकि उनकी वो अगुवाई करे। Now here's a secret, अब यहाँ पर एक रहस्य बात which I would like to give to you, जो मैं आपको देना चाहूंगा, who is saying let us go to perfection, कौन है जो कह रहा है कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें? He never said you go to perfection, वो ये नहीं कह रहा कि तुम खुद सिद्धता की ओर जाओ, He said let us go to perfection, वो ये कह रहा है कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। In other words, Paul is including himself, दूसरे शब्दों में पौलुस अपने आप को भी शामिल कर रहा है। Now this is a point you need to understand, अब ये बात है अब जो आपको समझना जरूरी है। May God really bless you, you will, काश खुदावन आपको आशीष दे। Who is inviting you to come to perfection, कौन आपको निमंत्रण दे रहा है सिद्धता की ओर जाने के लिए? It's God himself, ये खुदा स्वयं है। But he's using the human lips of a messenger here, amen, परंतु वो इंसानी होठों का इस्तेमाल कर रहा है एक संदेशवाहक के यहाँ पर। The name of that messenger here is Paul, जो संदेशवाहक का नाम यहाँ पर है वो है पौलुस, and using those human lips he's saying, और वो इंसानी होठों का इस्तेमाल करके वो कह रहा है, Let us go on into perfection, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Then those who will be going on to perfection will do what? तो फिर वो जो सिद्धता की ओर जा रहे होंगे वो फिर क्या करेंगे? They will follow Paul, वो पौलुस के पीछे चलेंगे। Hallelujah, Holy Spirit through him told the elect, come, पवित्र आत्मा ने उसके माध्यम से चुनेवे को बुलावा दिया और बोला, आ, Let's go on to perfection, आ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Then what would the elect do? तो फिर चुनावा क्या करेगा? Elect knows as I am following the Holy Ghost, चुनेवे को मालूम है कि जैसा मैं पवित्र आत्मा के पीछे चल रहा हूँ, I need to follow a gift, तो जरूरी है मेरे को एक वरदान के पीछे भी चलना है। And that gift in Paul's time was Paul, और वो वरदान जो कि पौलुस के जमाने में था वो पौलुस स्वयं था, who himself was a prophet, जो कि स्वयं एक नबी था। And you know the word always comes to a prophet, amen, और आप जानते हैं कि वचन हमेशा नबी के पास आता है। And so they who followed that prophet, और वो जो कि अपने नबी के साथ चल पाए, पीछे चल पाए, I mean to with Paul, मेरा मतलब है इस पौलुस के साथ, they were those who came to perfection, वो थे जो सिद्धता तक पहुंचे। I will talk about perfection in the second exodus and perfection in the third exodus, मैं बात करूंगा सिद्धता की दूसरी निकासी में और सिद्धता की जो कि तीसरी निकासी में है। Read the whole book of Hebrews, इब्रानियों की पूरी पुस्तक को आप पढ़िए। Paul is separating law and grace, पौलुस अलहदा करके दिखा रहा है व्यवस्था और अनुग्रह को। And he said what law could not fulfill, और वो बता रहा है कि जो कुछ व्यवस्था पूरा नहीं कर पाई, grace has done that, अनुग्रह ने उसको प्राप्त करके दिखाया। For law didn't make any man perfect, क्योंकि व्यवस्था ने किसी को सिद्ध नहीं किया, किसी मनुष्य को। I'm going in advance in what Hebrew says, मैं आगे बढ़ रहा हूँ पहले से उस जगह पे जहाँ इब्रानियों में जो बताया गया है। The Levitical priesthood could never bring to perfection, लेवी याजक पद्धति कभी भी सिद्धता तक नहीं ला सकती थी। But there's another priesthood, पर एक और याजक पद्धति है। There's another priest, एक और याजक है। On the order of Melchizedek, जो कि मलकीसदक की याजक पद्धति के अनुसार है। There's another sacrifice, एक और कुर्बानी है, by which a believer can become perfect, जिसके माध्यम से एक विश्वासी सिद्ध हो सकता है। Not the blood of bulls and goats, बैलों बकरों का लहू नहीं। What's Paul trying to do? पौलुस या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Pull the people out of the traditional sacrifices, जो आम रीति रिवाज वाली सामान्य कुर्बानी थी उससे लोगों को निकाल के। What did the law have is exactly what Paul is mentioning here to the Christian, जो कुछ व्यवस्था में थी वही चीज पौलुस उसका उल्लेख दे रहे हैं यहाँ पर मसीहों के सामने। Law had some works,
व्यवस्था में कुछ काम थे विच मैन यूज टू डू जो कि आदमी खुद करता था एंड फाइनली व्हेन द सन ऑफ मैन केम और जब आखिरकार मनुष्य का पुत्र आया द वर्क्स बिकेम समथिंग लाइक वॉशिंग पॉट्स एंड पैंस जो काम है मानो ऐसे बन गए जैसे लोटों का धोना और मांजना बट दे मेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नन इफेक्ट परंतु उन्होंने खुदा के वचन को बेअसर कर दिया फॉलोइंग देयर वर्क्स अपने कामों को पूरा करने की जुस्जू में they did God a service, but without his will. उन्होंने खुदा की सेवा तो करी परंतु बिना उसकी मर्जी के अनुसार I'm going a little deeper now. अब मैं थोड़ा गहरा जा रहा हूँ They were doing something. वो कुछ कर रहे थे They were doing some works. वो कुछ कामों को कर रहे थे They were fasting. वो उपवास रख रहे थे Twice a week. हफ्ते में दो दफा They were giving tithes of anise and cumin. वो जीरे और सुगात का पुदीने का जो है वो दसवांश दे रहे थे That's what the scripture says. यही वचन कहता है They were going to the synagogue. वो आराधनालय में जा रहे थे They were used to read the prophets. वो भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ते थे They obeyed every Sabbath. वो हर एक सबत को मानते थे They obeyed every feast. वो हर एक पर्व को मनाते थे Yet in spite of all that, तो भी सब चीजों के बावजूद They missed perfection. उन्होंने सिद्धता को प्राप्त करने में चूक कर दी They missed the baptism of the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा बपतिस्मे तक नहीं पहुंच पाए They missed seeing the ministry of the Son of Man. वो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को पहचान में चूक गए And when the spirit of Elijah came in John the Baptist, और जब एलिया का आत्मा यूहन्ना उत्पत्ति वाले में आया, to turn the high places low and low places high, ताकि ऊंचे स्थानों को समतल करे और जो ऊंचे स्थान है जो उनको नीचा कर दे to prepare the hearts, ताकि हृदयों को तैयार करे for what? किस चीज के लिए that they can receive grace, ताकि वो अनुग्रह प्राप्त कर पाए the new message that came, नया संदेश जो आया है they were still tied to their old law and works, वो अभी भी अपने व्यवस्था और कामों से बंधे हुए जुड़े हुए थे and here comes Paul, और यहाँ पर पौलुस आते हैं writing a letter to these Hebrews, जो कि इब्रानियों की कलीसिया को पत्री लिख रहे हैं as a man that dispensation is ended, और ये बता रहा है कि वो काल खत्म हो चुका है The day, the word was opened in seven places. Amen. जिस दिन वचन सात जगहों से खुला The day the word spoke seven voices. जिस दिन वचन ने सात आवाजें बोली The day the ministry shifted to the third pole. जिस दिन सेवकाई तीसरे खिंचाव की ओर मुड़ गई The day There was a shaking. जिस दिन एक कहिलाया जाना हुआ. That day there was an earthquake. जिस दिन एक भूचाल आया. That day the ministry changed. उस दिन सेवकाई बदल गई. It was enough with the Levitical priesthood. अब काफी हो गया था लेवी याजक पत्ती से. Now perfection cannot be attained by that. अब सिद्धता इसके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती. So if you want to go on to perfection, you need to choose which priesthood you would like to follow. तो अगर आपको सिद्धता की ओर बढ़ना है तो आपको सही चयन करना पड़ेगा कि कौन सी याजक पत्ती के पीछे आप चलेंगे Another priesthood, एक और याजक पत्ती which is the order of Melchizedek, जो कि मलकीज़ेदेक की रीति के अनुसार है you have to follow that kind of preaching. आपको उस किस्म के प्रचार के पीछे चलना पड़ेगा And if you follow the message, और अगर आप संदेश का अनुकरण करें Here is Paul, यहाँ पर पौलुस है the first spirit of God, Amen. पहली खुदा की आत्मा the first candlestick, पहली शमादान if I should say not the candlestick the first star शमादान नहीं अगर कहूंगा रोशनी पहला सितारा द फर्स्ट लाइट ऑफ गॉड खुदा की पहली रोशनी इन दैट फर्स्ट एज उस पहले युग में And he's saying, Now listen, let us leave it. और वो कह रहा है कि आओ हम इसे छोड़े I'm now reading between the lines. Amen. अब मैं पंक्तियों के बीच में पढ़ रहा हूँ Then somebody asked Paul, तो फिर किसी ने पौलुस से पूछा You mean you know the way to perfection? आपका मतलब यह है कि आपको सिद्धता का रास्ता पता है You said, आपने बोला Let us go to perfection. कि हम आओ सिद्धता की ओर बढ़ चले Paul, do you know the way? पौलुस के आपको रास्ता मालूम है yeah. जी हाँ फॉलो मी मेरे पीछे चलो फॉलो मी द मैसेंजर मेरे पीछे चलो जो संदेश वाहक हूं आई नो द वे टू परफेक्शन मुझे सिद्धता का मार्ग पता है आई नो द वे टू दैट परफेक्ट स्टेट मुझे वो सिद्ध अवस्था का मार्ग पता है आई नो गॉड गेव मी अ मिस्ट्री मैं जानता हूं खुदा ने मुझे एक भेद दिया है फॉर यू जेंटाइल्स तुम अन्य जातियों के लिए टू प्रीच दैट गॉस्पेल टू यू ताकि मैं वो सुसमाचार तुम्हारे सामने प्रचार करूं टू प्रीच दैट मिस्ट्री टू यू ताकि वो भेद मैं तुम्हारे सामने रखूं आई नो दैट वे मैं उस मार्ग को जानता हूं एंड यू फॉलो मी और तुम मेरे पीछे चलो As I follow Christ, जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ I am also leaving things behind, मैं भी चीजों को पीछे छोड़ रहा हूँ And mark, running to the mark of the high calling, और अपनी ऊंची बुलाहट के निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ I am also running towards perfection, मैं भी सिद्धता की ओर दौड़ रहा हूँ So you also I say, तो मैं तुमसे भी कहता हूँ Leave those things, उन चीजों को छोड़ दो And come towards perfection, और सिद्धता की ओर बढ़ चलो Let us, आओ हम In other words, let us run this race together, दूसरे शब्दों
शब्दों में आओ हम इस दौड़ को एक साथ दौड़ें। Then if you want to run the race with Paul, you have to be with Paul. तो अगर आपको पौलुस के साथ दौड़ दौड़नी है, तो पौलुस के साथ बने रहना पड़ेगा। So now you know. तो अब आप ये जानेंगे। Who knows the way to perfection? कौन जानता है सिद्धता की ओर का रास्ता? The messenger of that age. उस युग का संदेशवाहक। I hope you're catching the mystery. मैं आशा करता हूँ भेद को पकड़ रहे होंगे। When he's saying, let us leave these principles. जब वो कह रहा है क्या हो हमें आरंभिक बातों को छोड़ें। What did Apollos do? Apollos ने क्या किया? Gave them a baptism of repentance. उन्हें तौबा का बपतिस्मा दिया। And they only knew how to repent from dead works. और उन्हें मुझे तक कामों से तौबा करना ही आता था। But the minute Paul came. और जिस क्षण पौलुस आए। Paul's train doesn't start slowly. His train just goes fast. Amen. पौलुस की रेलगाड़ी धीमे धीमे चालू नहीं होती, सीधा ही तेज गति पकड़ लेती है। Immediately when Paul came, एकदम से जब पौलुस आए, he started teaching them integration. पौलुस ने उनको इंटीग्रेशन सिखाना चालू कर दिया. They didn't know their ABCs. जबकि उन्हें एबीसी आता ही नहीं था. But they could come to that. पर वो हाँ वहाँ पहुँच सकते थे. Then Paul asked them. फिर पौलुस ने उनसे पूछा. After preaching a small message, एक छोटा संदेश प्रचार करने के बाद, he knew that message went over their head. वो जानता था कि वो संदेश उनके सिर के परे जा रहा है. I often wonder what must have Paul preached. When he was at Ephesus. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पौलुस ने प्रचार क्या किया होगा जब वो इफिसियों के अंदर पहुंचा था. What was the difference between the preaching of Apollos and the preaching of Paulus? क्या फर्क था अपोलुस के प्रचार और पौलुस के प्रचार में? Something that Paul preached. कुछ ऐसी चीज जो पौलुस ने प्रचार करी, which went over the heads of those people, जो कि लोगों के सिर के बिल्कुल ऊपर से निकल गई, and being the messenger, he could discern, और संदेशवाहक होने के नाते वो परख पाया, by seeing their expressions and their face and how they are looking and not some people are not showing interest because they can't understand it. Paul knew there's some problem. और उनके उनके सिर उनके मुंह के जो हाव भाव थे, उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे थे, उनको देख के पौलुस समझ गया था कि हाँ उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और फिर कोई ना कोई इसके पीछे कोई गड़बड़ी है, समस्या है। It was my crowd, they would be shouting amen and hallelujah. Amen. क्योंकि वो जानता था अगर ये मेरी भीड़ होती तो वो आमीन और हालेलुया की चिल्लाहट कर रही होती। They would say, amen, Paul. वो कहते पौलुस आमीन। Say on, brother. हाँ भाई आगे बताइए। Just go on, brother. That's wonderful. हाँ बहुत बढ़िया है मेरे भाई, आगे बढ़िए। And they would understood everything. और वो सब कुछ समझते। But this crowd can't understand these things. पर ये भीड़ तो नहीं समझ पा रही बात। What was Paul preaching to them? पौलुस उनके सामने क्या प्रचार कर रहे थे? Not a message of just repentance. केवल एक पश्चाताप मन फिराव का प्रचार ही नहीं। You have to repent from dead works. तुम्हें मरे कामों से पश्चाताप करना पड़ेगा। That was the message of Apollos. ये अपोलुस का संदेश था। But Paul was preaching a mystery. Amen. परंतु पौलुस एक भेद का प्रचार कर रहे थे। Because his ministry was a mystery. क्योंकि उनकी सेवकाई ही एक भेद थी। To preach a mystery which was given to him for the Gentiles. उनकी सेवकाई एक भेद थी कि वो प्रचार करें जो कि उन्हें दिया गया अन्य जातियों के लिए। He was preaching a new dispensation to them. वो उनके सामने नए काल का प्रचार कर रहे थे। If Paul would be here today, he would not be preaching Laodicean age. He would be preaching this age. Amen. अगर पौलुस यहाँ पर होते तो वो लाओदीकिया कलीसिया काल का प्रचार नहीं करते, वो इस युग का करते। Paul explained to them about one who had to come, had come. पौलुस उनके सामने समझाते कि जो आने वाला था वो आ चुका है। He was explaining how the word had come. वो समझा रहे थे कैसे वचन आया है। That Messiah had appeared. वो मसीहा प्रकट हुआ है। How I saw him. कैसे मैंने उसे देखा। And they were just looking at each other. एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। They can't understand what this man is saying. उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आदमी सब कह क्या रहा है। After the meeting is over, मीटिंग खत्म होने के बाद, Paul quickly finished the meeting. पॉल उसने जल्दी मीटिंग को खत्म किया। And he closed the book and said, और उसने बुक को किताब को बंद किया और कहा, I have a question to ask you. मेरे पास एक सवाल है तुमसे पूछूं। Have you received the Holy Ghost since you believed? क्या तुमने पवित्र आत्मा विश्वास करने के समय से पवित्र आत्मा पाया? Because if you would have had that, क्योंकि अगर तुम्हारे पास होता, you would have no problem in understanding what I am saying. तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होती उस बात को समझने के लिए जो मैं कह रहा हूँ. But if you are having a little problem, परंतु अगर तुम्हारे को कुछ दिक्कत आ रही है, if you are not able to catch what is being said, अगर तुम ये पकड़ नहीं पा रहे कि जो कुछ कहा जाए, you don't have the teacher. तुम्हारे पास शिक्षक नहीं है। You don't have that inside teacher in you. तुम्हारे पास अंदरूनी शिक्षक नहीं है। And I can see that from the expressions of your face. और मैं तुम्हारे चेहरे के हाव-भाव को देख के समझ सकता हूँ। Within a minute, because you know he's a messenger. एक मिनट में, क्योंकि आप जानते हो संदेशवाहक। He has the spirit of discernment. उसके पास परख की आत्मा है। Within a minute, he says to them. एक मिनट के अंदर वो उनसे कहता है। You got the Holy Ghost, sister? बहन आपके पास पवित्र आत्मा है। You got the Holy Ghost, brother? भाई आपके पास पवित्र आत्मा है। And the right answer came from them. और सही जवाब उनके उनसे आया। We didn't even hear about
about this Holy Ghost. पवित्र आत्मा, हमने तो इसके विषय में कुछ सुना. We only heard that part of the message which was calling out. हमने केवल संदेश का वो हिस्सा सुना है जिसमें है भार बुलाया जाना. Leave the world, repent. दुनिया को छोड़ो, तौबा करो. But Paul said, where unto? पर पौलुस कहेगा कहां पर, के लिए. Have you received the Holy Ghost? In other words, have you finished the second exodus? Have you achieved the land of the second exodus since you believed? क्या तुमने दूसरी निकासी पूरी कर ली है, तुमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है? दूसरे शब्दों में, तुमने वो जो वायदा किया गया था दूसरी निकासी में, उस भूमि को, क्या तुमने उसको प्राप्त किया है? Have you achieved the goal of the second exodus? क्या तुमने दूसरे निकासी का लक्ष्य प्राप्त किया है जब से तुमने विश्वास किया? Have you received that? क्या तुमने प्राप्त किया है? Because I can make it out, you didn't do it. क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें नहीं मिला है. And then they expressed, they said, yes, we didn't hear about it. और फिर हाँ, उन्होंने हामी भरी और कहा कि नहीं, हमने इसके विषय में कुछ नहीं सुना था. How you baptized? कैसे फिर तुम्हारा बपतिस्मा? Immediately Paul jumped down to the foundation. एकदम से पौलुस अपना स्तर नीचे लेके एकदम कूद के नीचे आ गए. He knew they didn't have a foundation. वो नींव पे आ गए. उन्हें उसे पता लग गया हाँ, नींव ठीक नहीं है. They don't know their ABCs. उन्हें एबीसी अपने पता नहीं, आरंभिक बातें. So he started with the six things. तो फिर उसने छह चीजों से चालू किया. Unto what were you then baptized? फिर तुम्हारा बपतिस्मा किस विषय में हो, किस तरीके से हुआ? Doctrine of baptisms, that's one of the six. बपतिस्मों की शिक्षा, ये छहों में से एक है. Understanding? क्या समझ रहे हैं? Then they were corrected in their baptism. फिर उनका सुधार हुआ उनके बपतिस्मे को. Then Paul laid his hands on them. तब फिर पौलुस ने अपने हाथों को उन पे रखा. And they received the Holy Ghost. और उन्हें पवित्र आत्मा मिला. Amen. And they spoke with tongues. और उन्हें गैर जुबानें बोली. Are you listening, please? क्या आप सुन रहे हैं कृपया? And after that is done. और जब ये हो गया, that started that Ephesian church from those 12. ये जब हो गया, इस चीज ने चालू किया उस इफिसियों की कलीसिया को उन बाराओं से. When our Lord started his church, जब हमारे प्रभु ने अपनी कलीसिया चालू करी, Son of Man started his church with 12. मनुष्य के पुत्र ने अपनी कलीसिया 12 चेलों के द्वारा चालू करी. And when that same spirit came in Paul, और जब वही आत्मा पौलुस में आया, and he was called the messenger of that Ephesian church. और जब उसे वो कहलाया गया संदेशवाहक उस इफिसियों की कलीसिया का, of that age, उस युग का, for which that Ephesian church was a type, जिसके लिए वो इफिसियों की कलीसिया एक तस्वीर थी. It began with 12. ये बाराओं से चालू हुई. I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं इसे पकड़ रहे होंगे. Same ministry, वही सेवकाई, same spirit of Christ, वही मसीह की आत्मा, but now in a messenger, पर अब से एक संदेशवाहक में. And now he is preaching the gospel. और अब वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है. And those 12 received the Holy Ghost. और उन 12 ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया. After receiving the Holy Ghost, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद, Paul pastored that church. पौलुस ने उस कलीसिया की पास्टर का काम किया. Gave it back to Timothy. और उसे वापस तिमोथियस को सौंपा. It also went to John the disciple. और फिर ये यूहन्ना आरिफ के पास, यूहन्ना जो चेला है उसके पास भी गया. But you find this. पर आप ये पाते हैं. He didn't let the Ephesian church remain there. उसने इफिसियों की कलीसिया को उसी स्थान पे नहीं बने रहने दिया. Later on when he writes the letter to the Ephesians. Amen. बाद में जब वो पत्री लिखता है इफिसियों को, which we will read now, जिसको हम अब पढ़ेंगे, what the prophet said, नबी ने क्या बोला है, there's a hint behind that. एक सुराग है, एक हिंट है उसके पीछे. Let's go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें. Let's go on to a different realm. आओ हम एक और अयाम में घुसें. In other words, come, I'm pulling you, now follow me. दूसरे शब्दों में, आओ मैं तुम्हें खींच रहा हूँ, मेरे पीछे चलो. How the ducks follow their leader. कैसे जो बत्तख हैं वो अपने अगुए के पीछे चलती हैं. Because if they want to escape that cold, they need to follow their leader. क्योंकि अगर उससे उस ठंड के प्रकोप से उन्हें बचना है तो अपने अगुए के पीछे चलना पड़ेगा. That's what we are seeing today. यही चीज हम आज देख रहे हैं. Holy Ghost through Paul is saying, let's go on. पवित्र आत्मा पौलुस के माध्यम से कह रहे हैं कि आओ हम आगे बढ़ चलें. Holy Ghost through Brother Branham today is saying, पवित्र आत्मा भाई ब्रैनम के माध्यम से आज कह रहे हैं, let us go on. आओ हम आगे बढ़ चलें. Where now? कहां पर अब? What kind of perfection now? अब किस किस्म की सिद्धता? What was the ministry of the prophet pointing towards to? किसकी ओर दिशा दिखा रही थी नबी की सेवकाई? Read the message, things that are to be. उस संदेश को पढ़िए, वे चीजें जो होने वाली हैं. He said, just like this body, there's another body. उन्होंने कहा, ठीक इस देह के समान एक और देह है. A tabernacle not made with hands. एक बिना हाथों के द्वारा बनाया गया भवन. Which he has gone to prepare. जो कि वो बनाने के लिए गया है. And if I go, I prepare a place for you. अगर मैं वहां जाऊं तो तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं. That where I am, there you may be also. ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो. He's living in the
hour of the second coming. वो दूसरी आमद के समय में रह रहा है. And when he's pointing the people, और जब वो लोगों को दिशा दिखा रहा है, he's not pointing them back to a Pentecostal age. वो उन्हें वापस Pentecostal युग की ओर नहीं मोड़ता. But under that Exodus, और उस निकासी के नीचे, he's pointing forward to a millennium. वो आगे एक millennium की ओर इस निकासी में लेके जा रहा है. To an eternal city, एक अनंत शहर की ओर. Then what would the believer do now? तो फिर विश्वासी अब क्या करेगा? Follow the tapes unto perfection. Amen. Amen. टेप्स के पीछे चलेगा सिद्धता तक के. Follow that voice. उस आवाज के पीछे चलेगा. Because behind that voice is his voice. क्योंकि उस आवाज के पीछे उसकी आवाज है. And where is that voice calling you? और वो आवाज आपको कहां बुला रही है? To your perfect state. आपकी सिद्ध अवस्था पे. To your theophany. आपकी theophany पे. Let's see something more. आइए हम कुछ और देखें. Because now what we preached on Sunday will tie up here. Amen. क्योंकि जो कुछ हमने संडे को प्रचार किया वो यहां जुड़ेगा. And let me read it for you. और आइए मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा. Paul said, पौलुस ने कहा, Let's go on to perfection now. आओ हम अब सिद्धता की ओर बढ़ चलें. We are talking about perfected. हम बात कर रहे हैं सिद्ध होने की. And if you'll run this down, you'll find out. और अगर आप इसको आगे चल के देखें तो आप ये पाएंगे. That the perfected is the elected. Amen. कि जो सिद्ध होता है वही वो है जो चुना हुआ है. So now we have another thing now. तो हमारे पास एक और चीज है. Perfected is elected. सिद्ध हुआ वही चुना हुआ है. So with perfection is election. तो फिर सिद्धता के साथ चुनाव भी है. So when you talk about perfection, तो जब हम बात करते हैं सिद्धता की, we are talking about election. तो हम बात कर रहे हैं चुनाव की. Election leading to perfection. चुनाव लेके जाता है सिद्धता की ओर. And I'll go with deeper with you. और अब मैं आपके साथ गहराई में जाऊंगा. Try to follow it with me. मेरे साथ चलने की कोशिश करिए. Perfected is the elected. चुना हुआ जो सिद्ध हुआ हुआ है वो ही है चुना हुआ. I'll prove it to you in a few minutes by the Bible. कुछ मिनटों के बाद मैं बाइबल के द्वारा आपके सामने इसको साबित करूंगा. It's the elected, ये चुना हुआ है, who God before the foundation of the world seen. Amen. जिसे खुदा ने जगत की नेव रखने से पहले देखा था. Every one of them. उनमें से हर एक को. And he sent Jesus. और उसने यीशु को भेजा. टू रिडीम दैट पीपल. ताकि उन लोगों को वो छुड़ाए. नॉट द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया को नहीं. आई होप यू आर कैचिंग इट. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे होंगे. नॉट टू रिडीम द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया को छुड़ाने के लिए नहीं. बट हुम ही फोरसॉ. पर उसे जिसे उसने पहले से देखा. एवरी वन ऑफ देम. उनमें से हर एक को. बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. जगत की नेव रखने से पहले. आई होप यू आर कैचिंग दिस. मैं आशा करता हूं आप इसे पकड़ रहे होंगे. एंड द रीजन ही सेंट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. और जिस कारण से वो उसने यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को भेजा. नाउ इजंट इट स्ट्रेंज. अभी विचित्र बात नहीं है. एवरीबॉडी इज पुटिंग द क्लेम्स ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हर एक कोई अपना दावा भर रहा है प्रभु यीशु मसीह पे. आई एम सेव्ड बाय हिम. मैं उसके द्वारा बचाया हूं. I'm washed by his blood. मैं उसके लहू के द्वारा धोया गया हूं. When it's clearly mentioned here, जबकि स्पष्टता पूर्वक यहां ये बताया गया है, Lord Jesus was sent for only those प्रभु whom God saw before the foundation of the world. Amen. प्रभु यीशु केवल उनको बचाने के लिए भेजे गए थे जिनको खुदा ने जगत की नेव रखने से पहले देखा था. Whom he had elected. जिनको उन्होंने खुद पहले से ठहराया था. For them he sent Jesus. उनके लिए उसने यीशु को भेजा. To redeem that people. ताकि उन लोगों को छुड़ा ले. Not the whole world. पूरी दुनिया को नहीं. Now just change the definition for a minute. अब भाषा परिभाषा को थोड़े समय के लिए बदलिए. And try to understand it for a minute please. और थोड़े समय के लिए समझने की कोशिश करिए. Who is Jesus? यीशु कौन है? And the word was made flesh. Amen. और वचन देहधारी हुआ. In other words, दूसरे शब्दों में, the manifested word, the fullness of the word, when it became flesh, was sent for a elected people. Amen. दूसरे शब्दों में, प्रकट हुआ वह वचन, वचन की परिपूर्णता, वचन देहधारी, वचन भेजा गया उन लोगों को जो पहले से ठहराए गए थे, पहले से चुने गए थे छुड़ाने के लिए. When he came as son of man, जब वो मनुष्य के पुत्र के रूप में आया. When the word became flesh, जब वो वचन देहधारी हुआ. It was only to redeem a specific number. ये केवल एक खास चुनी हुई गिनती को ही छुड़ाने के लिए था. If I should say it like this, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, the ministry of the son of man,
मनुष्य के पुत्र की सेवकाई वॉज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर, वो केवल एक खास शुमार के लिए, गिनती के लोगों के लिए थी. लेट्स सी इन द टाइम ऑफ लॉर्ड जीसस, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के समय में देखें. ज़कियस, ज़कई, द वुमन एट द वेल, वो जो सामरी औरत थी, नथानियल, Nathaniel, Simon called Peter, Shimon जो पतरस कहलाया, the 11 disciples, not the 12th one. 11 चेले, 12वां नहीं. I mean not Judas because he didn't see it. मेरा मतलब यहूदा स्तुति नहीं हूँ क्योंकि उसने नहीं देखा. He stayed with the ministry but he couldn't understand the minister. वो सेवकाई के साथ बना तो रहा पर वो सेवक को नहीं समझ पाया. Because you know to understand the minister would be understanding the ministry. क्योंकि सेवक को समझना ही सेवकाई को समझना है. He missed the minister. वो उसने सेवक को ही समझने में चूक कर दी. Then he missed the effects of the ministry which came at Pentecost. तो फिर वो उस सेवकाई के असरातों को, लाभों को भी पाने में चूक गया जो कि पेंटिकॉस्ट के दिन पे आई. He was a partaker of all the miracles. वो हर एक अजूबे आश्चर्य कर्म का हिस्सेदार बना. But Brother Branham said when time came for him to go to Pentecost, पर भाई ब्रह्म ने बोला कि जब समय आया कि वो पेंटिकॉस्ट को पहुंचे, he showed his colors. उसने अपने रंगों को दिखा दिया. He couldn't see it. वो उसे नहीं देख पाया. He was not elected. वो चुनावा नहीं था. It looked for some time he's won. थोड़े समय के लिए लगा कि ऐसा है. He will actually qualify in that category. वो वास्तविकता में उस श्रेणी में जाएगा. Who tasted the word? जिन्होंने वचन को चखा तो. Who came? Who got an enlightenment for some time? जो आए और उन्हें थोड़े समय एक ज्योति पाई थोड़े समय के लिए. But if they turn away, पर अगर वे फिर जाएं, भटक जाएं. That's what Judas Iscariot is. यही यहूदा स्कृति होता है. He could never make it to Pentecost. वो कभी पेंटिकॉस्ट तक नहीं पहुंच पाया. He sold the word. उसने वचन को बेच दिया. और ऐसे हैं आज जो अपने पास्टर को बेच दें खुले बाजार में, अपने नबी को बेच दें खुले बाजार में, इस वचन को बेच दें खुले बाजार में. उनका असली रंग तब दिखता है जब दुनिया की कोई हालात सामने आती है. उन हालातों में जब आप उनके असरों को देखें, वो आपको बेचने को तैयार हो जाएंगे. देन यू नो, तब आप जानते हैं व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट इज ऑन देम, किस किस्म का आत्मा उनके ऊपर है. द बाइबल सेज, बाइबल ये कहती है, जूडास न्यू द प्लेस where he used to take them to worship and pray. Bible ye kehti hai ki Yehuda Iscariot janta tha us jagah ko jahan par wo unhe prarthna ke liye aur upasna ke liye leke jata tha. He knew garden of Gethsemane very well. Wo Gethsemane bag ko bahut acche se janta tha. He knew by this time the Lord would be there. Wo janta tha ki ha is samay tak to prabhu wahan honge hi. By this time the meeting would be at that phase. इस समय तक के जो मीटिंग है वो उस चरण पे पहुंच गई होगी. This was the one. यही वो है. Who gave a key to those people to bit catch him. जिसने उन्हें एक कुंजी दी, चाबी दी, सुराग दिया कि वो आए और इस यीशु को पकड़ लें. People in the framework of the message. लोग संदेश के ताने बाने में ही. Denying the power. सामर्थ का इनकार कर रहे हैं. Living like a Judas. स्कूति के माने जीवन व्यतीत करते हैं. Betraying their church. अपनी कलीसिया को फरेब देते हैं. Betraying the minister. सेवक को फरेब देते हैं. How did Judas betray his minister? कैसे यहूदा स्कूति ने अपने सेवक को फरेब दिया? By giving a slap. एक तमाचा मारने के द्वारा. By speaking some bad words. क्या कुछ बुरी बातें बोलने के द्वारा? How did Judas betray Jesus? कैसे यहूदा स्कूति ने फरेब दिया यीशु को? By hugging him. उसको गले लगाने के द्वारा. Kissing him. उसको चूमने के द्वारा. God bless you, brother. खुद आपको आशीष दे भाई. By saying like that. ये कह करने के द्वारा ऐसा. And he told them. और उसने उनको ये बताया था. To whom I do like this. जिसको मैं ऐसा करूं. He is the one you have to catch. वो ही है वो जिसको तुम्हें पकड़ना है. So he betrayed him with a kiss. तो उसने चूम के उनको उसको उसने फरेब दिया. That spirit doesn't die. ये आत्मा मरता नहीं है. People sit. To hear the message as informers. लोग संदेश बैठ के सुनते हैं सूचना पहुंचाने वालों के रूप में. As a BBC. BBC के रूप में. But not to sit to have a conversion. पर इसलिए नहीं बैठते कि उनका उनका जीवन परिवर्तन हो जाए. I want to tell you. मैं आपको ये बताना चाहूंगा. That Judas met his end. उस यहूदा स्तुति को उसका हशर मिल गया. And it'll happen again. और ये फिर से होगा. Sold him for a few pieces of silver. उसने कुछ चांदी के मात्र टुकड़ों में यीशु मसीह को बेच दिया. But could Jesus be sold? कैसे यीशु बिक पाएंगे? Can God be sold? क्या खुदा कभी बिक सकता है? In a way, yes. एक तरीके से हाँ. But I would tell you, he only furthered the plan of God. पर मैं आपको बताना चाहूँगा, उसने केवल
खुदा की योजना को आगे ही बढ़ाया. Then our Lord knew that he is a traitor. क्या हमारे प्रभु नहीं जानते थे कि ये एक धोखेबाज है? And one day he'll show his colors. और एक दिन वो अपने रंगों को दिखा देगा. He will never go on to receive the Holy Ghost. वो आगे कभी बढ़ेगा नहीं पवित्र आत्मा पाने के लिए. He came out. वो बाहर निकला. He has tasted the word. उसने वचन को चख लिया. He has seen the miracles. उसने आश्चर्यकर्म के कामों को देख लिया. He has seen the powers of the world to come. और उसने आने वाले संसार की शक्तियों को देख भी लिया. Come on, church. आइए कलीसिया. He is a partaker of the ministry. वो सेवकाई का हिस्सेदार है. That's what the word says. यही चीज कहती है वचन. यही बात कही गई है वचन. I know I'm quoting from the message. मैं जानता हूँ संदेश से बोल रहा हूँ. When the 70 returned back. जब 70 वापस लौट के आए. As a Lord in your name. और वो कह रहे कि प्रभु आपके नाम में. Even the devils are under our subjection. यहाँ तक कि शैतान भी हमारे ताबे में है. Then the Lord looked and smiled and said. तब प्रभु ने उसकी ओर मुस्कुरा के कहा. Don't just be happy because devils are subject to you. इस बात से केवल आनंद मत हो कि शैतान तुम्हारे कब्जे में है. But because your names are written in heaven. और इस बात से कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं. And Jesus knew. और यीशु मसीह जानते थे. Our Lord knew. हमारे प्रभु जानते थे. Judas's name is written. यहूदा स्क्रूति का नाम लिखा तो है. But just few years later. पर कुछ ही साल बाद. When the ministry will come to an end. जब सेवकाई खात्मे पे आएगी. And I'll be returning to the third pole. और मैं तीसरे खिंचाव की ओर मुड़ूंगा. This man will show his colors. ये आदमी अपने रंगों को दिखा देगा. He cannot go on to perfection. वो सिद्धता की ओर बढ़ नहीं पाएगा. He cannot go on to that state. और वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा. When he can receive the Holy Ghost. जब वो आगे चल के पवित्र आत्मा को प्राप्त करे. Then he can receive the perfection. जब वो सिद्धता को प्राप्त करे. I didn't shed my blood for him. मैंने अपना लहू इसके लिए नहीं बहाया है. All that you gave me, Father. हे पिता जितने तूने मुझे दिए. I have lost none. उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया. Save the son of perdition. केवल विनाश के पुत्र को छोड़. Who has no part in me. जिसका मुझ में कोई भाग नहीं है. From the beginning, he never had a part in God. आरंभ से खुदा में उसका कोई हिस्सा नहीं था. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? That is what Judas says. यही यहूदा स्तुति है. And how did he gave him the communion? और कैसे उसने प्रभु भोज दिया उसके? Dip it and gave it. डुबो के दिया. You know where today they follow this sign? आप जानते हैं कहाँ पर इस चिन्ह को किया जाता है आज? That's right. ये बात ठीक है. Who is the ring leader of all those who betray the word? उनका जो ring leader है, उनका जो मुखिया है, वो कौन है? उन सब का जो वचन को फरेब दे रहे हैं. There's a large crowd. एक बहुत बड़ी भीड़ है. And as the prophet said, और जैसा नबी ने कहा, I saw a witch leading those churches. मैंने चुड़ैल को देखा उन कलीसिया की अगुवाई करते हुए. Amen. But the real one was following the messenger. पर जो वास्तविक थी, वो तो कलीसिया, वो तो संदेशवाहक के पीछे चल रही है. And he said, get back in line. They got back in line. और उसने कहा कि हाँ, कतार में वापस आओ, कतार में वापस आओ. And how they were raptured up. कैसे उनका स्वर्गारोहण हो गया ऊपर. July, that vision. ये जुलाई वो दर्शन. This July, when Ezekiel saw the vision. ये जुलाई जब Ezekiel ने दर्शन देखा. But that same Ezekiel was told. पर उसी Ezekiel को बताया गया. Come, let me show you the abominations that are done in Jerusalem. हाँ, मैं तुझे दिखाऊंगा उन घृणित चीजों को जो कि यरूशलेम में की जा रही हैं. Then that same July, Ezekiel was shown a sealant. तो फिर उसी उसी जुलाई में उसी Ezekiel को एक मोहर लगाया जाना दिखाया गया. When he ate the book. जब उसने पुस्तक को खा लिया. By chapter 3. तीसरे अध्याय तक के. But after that. पर उसके बाद. I'm going to bring a sealant. मैं एक मोहर एक छाप लगाने का काम लेके आऊंगा. I'll bring a mark. मैं लेके आऊंगा. All those who sigh and weep for the abominations that's done in this city. हर एक शख्स जो कि रोता है और कराता है उस काम के लिए जो घृणित काम इस नगर में किए जाते हैं. What Brother Branham say? भाई ब्रह्म ने क्या कहा? That was what Ezekiel 4 saw when the Holy Ghost came as the sealing angel just before Roman General Titus came to destroy Jerusalem. There was a sealing angel that came to seal the last of the seeds before an exodus. Amen. भाई ब्रह्म ने बताया कि ये Ezekiel था जिसने भविष्य में आने वाली घटना को देखा ठीक इससे पहले कि रोमन जनरल टाइटस आए और यरूशलेम को तबाह कर दे. उसने देखा कि वो छाप लगाने वाला दूत नीचे उतर के आया और आखिरी अंतिम बीजों को उन पे चिन्हानी कर रहा है, उन पे मोहर लगा रहा है ताकि वो निकासी में आगे बढ़ जाए. When the time came for Joel's prophecy to be fulfilled. जब समय आया कि योएल की भविष्यवाणी पूरी हो जाए. Judas missed it. यहूदा इस्करियोती उसको पाने में चूक गया. A make believer missed it. एक बनावटी विश्वासी उसको पाने में चूक गया. He could not go on into perfection. वो सिद्धता में आगे बढ़ने ही नहीं पाया. He was a betrayer. वो धोखेबाज था. Amen. He used to sit in meeting and smile. वो मीटिंग में बैठ के मुस्कुराता था. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. I love you so much, brother.
Oh, praise Lord, bhai. Praise Lord, bhai. मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, भाई. I love you so much. मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ. One day I will love you so much. एक दिन मैं आपको इतना ज़्यादा प्यार करूँगा. I'll not betray you with a beating. मैं आपको किसी पिटाई या मार के द्वारा नहीं फरेब दूंगा. I'll kiss you and then betray you. मैं आपको चूमूंगा और फिर आपको धोखा दूंगा. This is Judas's love. ये यहूदा स्क्रूति का प्रेम है. Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं इसको? This is the love. ये है प्रेम. I love you, brother. भाई, मैं आपसे प्यार करता हूँ. Let us be careful of these loves also. आइए हम सतर्क हो जाएं इन प्यारों से भी. That's right. What kind of love is it? किस किस्म का प्यार ये है? If Paul would be here, अगर पौलुस यहाँ होते, he will discern you which kind of love do you have. वो पहचान जाएगा, परख लेगा किस किस्म का प्रेम आपके पास है. You really have the love for the word? क्या आपके पास वास्तविकता में वचन के लिए प्रेम है? Or you have a different love? या आपके पास कोई फर्क किस्म का प्रेम है? Genuine love is elective. जो वास्तविक प्रेम है वो चुनावी है. I hope you're catching it. मैं आशा करता हूँ आप इसको पकड़ रहे होंगे. That's why when the time came, इसलिए जब समय आया, to go on to perfection, सिद्धता में आगे बढ़ने के लिए, when the resurrected Christ breath, the Holy Ghost, जब पुनरुत्थानित मसीह ने उस पवित्र आत्मा को श्वास के ऊपर श्वास के रूप में फूंक दिया. Judas is not there. यहूदा स्मृति वहां नहीं है. He couldn't be a partaker of that ministry. वो सेवकाई का हिस्सेदार नहीं हो पाया. He couldn't be a partaker of a part ministry. वो केवल एक अंश में जो हिस्सा था सेवकाई का उसी में साथ रह पाया. But the next part which was coming, पर जो अगला भाग था जो आ रहा था, which was the fulfillment of Joel, जो कि योएल की भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था, Judas showed his colors. यहूदा स्तुति ने वहां तक के अपने रंगों को दिखा दिया. So you can see that. तो आप इसको देख पाएंगे. And has been amply explained the message. और ये बड़े सफाई से समझाया गया है संदेश में. Who's opening? How should I say it? कैसे मैं इसको कहूं? Who's going into the details of explaining that the cloud is just an ordinary cloud? कौन इसकी विस्तृतता में जा रहा है समझाने के लिए इस बात को कि ये बादल एक सामान्य बादल है? It's not a Pentecostal. ये कोई पेंटिकॉस्टल नहीं था. It's not a nominal church. ये कोई नामधारी गिरजे वाला नहीं था. It's a man who lived in the message. ये एक ऐसा आदमी था जो संदेश में रहा. He brought this point. वो लाया इस बात को. What kind of a spirit is this? किस किस्म का आत्मा ये? You can very well judge it. आप भली भांति इसको जांच सकते हैं. Understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Brother Branham said. भाई ब्रह्म ने कहा. In the message. संदेश में. Let a politician or somebody do a big scam. They don't make a show of it. कोई जो नेता है या राजनीति में जो बंदा है वो कोई बहुत बड़ा घोटाला कर दे, कोई भी इसके बारे में कोई बात बड़ी नहीं कहता या कहीं दिखाया नहीं जाता. But let a minister, a child of God, do something. पर ऐसा हो जाए कि कोई सेवक या खुदा का कोई जन do a little thing. कोई छोटी चीज कर दे. Every newspaper will print it. हर एक अखबार इस बात को छाप देगा. Didn't the prophet say that? क्या नबी ने इस बात को नहीं कहा था? Can't you catch that spirit? क्या आप उस आत्मा को नहीं पकड़ पाते? A spirit of Judas? एक यहूदा स्क्रूति की आत्मा. Ready to betray the word? जो कि तैयार है कि वचन को फरेब दे. They can do it, brother. वो कर सकते हैं मेरे भाई. They can go to any limits to defame you. वो किसी भी हद तक के जा सकते हैं आपकी इज्जत को नीचे करने के लिए. They can use media. वो मीडिया का इस्तेमाल करेंगे. They can use anything. वो किसी चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. But one thing I can tell you. पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूं. After betrayal, the work is over. फरेब देने के बाद, धोखा देने के बाद उनका काम खत्म. And the mastermind says. और जो सर्वोच्च mastermind है, what thou doest, do quickly. जो कुछ तू करने पे है जल्दी कर. ताकि yes. फिर मैं भी वो जल्दी करूं जो मुझे अब करना Amen. है. Because God is also about to do something now. क्योंकि खुदावन भी तैयार है कुछ करने के लिए. God is about to unleash the power of that half-hour silence. खुदावन तैयार है कि उस सामर्थ को खोल ले और उंडेल दे जो कि आध घड़ी के सन्नाटे की है. That a bride be raptured in that silence. ताकि एक दुल्हन उड़ा ली जाए रैप्चर में उस सन्नाटे में. Before that can happen, इससे पहले वो हो, he can't say it and speak it before all these kinds of people. वो इसको बोल नहीं सकता है और कह नहीं सकता है इन तमाम किस्म के लोगों के सामने. Then finally, who said? I mean, you know what? It's not just Brother Branham. तो किसी ने कहा कि ये केवल भाई ब्रैनम नहीं है मेरा. There are many more. बहुत तेरे और हैं. And we should listen to them also. तो हमें उनके भी सुननी चाहिए. Yes, Brother Branham was a wonderful preacher. Yeah. हाँ, भाई ब्रैनम बहुत बढ़िया प्रचारक थे. But there are many more. पर बहुत तेरे और भी हैं. We need to listen to them. हमें उनकी भी सुननी चाहिए. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? As I was saying on Sunday, end time message, Kabir's.
जैसा मैं संडे को कह रहा था एंड टाइम मैसेज के कबीर व्हाट दिस मैन सेड इस आदमी ने क्या कहा व्हाट दिस मैन सेड इस आदमी ने क्या कहा हाउ कैन सच पीपल हु आर कंफ्यूज्ड हु डिडंट ओवन नो हु द मैसेंजर इज गो ऑन टू परफेक्शन कैसे ये लोग जो कि कंफ्यूज्ड हैं पक्का नहीं हूं अभी भी शक में हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका संदेश वाहक कौन है कभी भी सिद्धता तक पहुंच पाएंगे दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है व्हाट काइंड ऑफ मिनिस्ट्री यू आर अंडर आमेन किस किस्म की सेवकाई के नीचे आप हैं इज इट अ कंफ्यूज्ड मिनिस्ट्री क्या ये ऐसी शक की सेवकाई है गड़बड़ी में जो पाई जाती है वैसी सेवकाई है who doesn't know who a messenger is जो नहीं जानती कि उसका संदेश वाहक कौन है who introduces more books besides these books जो कि और कई किताबों का परिचय देती है और लेके आती है इन दीवी किताबों के अलावा which is the prophet's message जो कि नबी का संदेश है try to catch it समझने की कोशिश करिए it's very important to catch it बड़ा जरूरी है इसको पकड़ना समझना does it say तब वो एक तब does it say क्या वो ये कहती है you know it's good to read the message क्या वो ये कहता है कि हाँ अच्छा है संदेश पढ़ना I suggest you read the Bible more पर मैं तुम्हें सलाह दूंगा बाइबल ज्यादा पढ़ा करो What kind of a spirit is behind this? किस किस्म की आत्मा इसके पीछे है? You can smell a spirit of a betrayer. आप एक विश्वासघाती, एक धोखेबाज की बू आप सूंघ सकते हैं. You can smell a Judas. आप एक यहूदा स्क्रूती को सूंघ सकते हैं. May God have mercy before it is too late. काश खुदावन रहम करे इससे पहले बहुत देर हो जाए. You don't like me for that? आपको मैं पसंद नहीं हूं इसके लिए नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं वन डे वी विल मीट समडे समटाइम किसी ना किसी दिन कहीं पर हम मिलेंगे जरूर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे बट वन डे यू विल हैव टू फेस व्हाट इज बीइंग सेड पर एक दिन उसका सामना करना पड़ेगा जो कुछ बोला जा रहा है प्रिपेयर योर आंसर्स इन एडवांस पहले से अपने जवाबों की तैयारी कर लीजिए आई विल बी वेटिंग टू हियर देम मैं उनको सुनने की इंतजारी में रहूंगा Are you listening? क्या आप समझ रहे हैं सुन रहे हैं I have put my point across before you. मैंने अपनी बात को आपके सामने कह दिया है And why I'm saying these things? और क्यों मैं इन बातों को कह रहा हूं When a messenger says, जब एक संदेश वाहक कहता है Let's go on to perfection. हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें. Then whom do you follow? तो फिर आप किसके पीछे चलते हैं? I am following the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा के पीछे चल रहा हूं That was saying to Paul. तो यही चीज तो पौलुस के जमाने में भी थी I'm saying that Holy Ghost was speaking through Paul. वही तो चीज, वही पवित्र आत्मा तो पौलुस में से होके बोल रहा है. Following the Holy Ghost would mean following the messenger. पवित्र आत्मा के पीछे चलने का मतलब होगा संदेश वाहक के पीछे चलना. Without a confused mind. बिना किसी confused दिमाग के. Who crucified Christ the second time? किसने चढ़ाया यीशु मसीह को क्रूस पे दूसरे दफा? Confused minds. Confused दिमागों ने who were never sure who he is. जो कभी भी पक्का नहीं थे कि वो कौन है Amen. Sometimes things move good for a long period of time. कभी कभी चीजें बहुत बढ़िया चलती हैं काफी लंबे समय के लिए And you are blessed. और आप आशीषित होते हैं But that doesn't mean God is dealing with you. पर इसका मतलब ये नहीं खुदावन आपसे डील कर रहा है One day you realize, एक दिन आपको ये पता लगता है you are lost. कि आप बर्बाद हैं That's right. ये बात ठीक है And you don't know what the truth is. और आप नहीं जानते कि सत्य क्या है May God have mercy. काश खुदावन रहम करें That you understand the present word. कि आप वर्तमान के वचन को समझें बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाए देन द कैटेगरी व्हिच इज रिटन फर्दर डाउन तो जो श्रेणी जिसके विषय में आगे लिखा है यू विल हैव टू फेस इट तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा लेट मी शो यू समथिंग आइए मैं आपको कुछ दिखाऊंगा ही सेज द परफेक्टेड इज द इलेक्टेड वो ये कहते हैं कि जो सिद्ध हुआ हुआ है वही है वो जो चुना हुआ भी है Then if the perfected is elected, तो अगर सिद्ध हुआ हुआ ही चुना हुआ है, then what would the elect do? तो फिर चुना हुआ क्या करेगा? Follow that messenger. संदेश वाहक के पीछे चलेगा. Amen. Because he knows. क्योंकि वो जानता है. The way to perfection is following this gift.
जो सिद्धता का मार्ग है वो ये है कि इस वरदान के पीछे चलना. होली गोस्ट द ट्यूटर वुड स्पीक थ्रू हिम. पवित्र आत्मा जो शिक्षक है, सिखाने वाला है, वो इसी के माध्यम से बोलेगा. इफ वी टॉक अबाउट इलेक्शन, यस, अगर हम बात करें हाँ चुनाव की, वी टॉक अबाउट द ट्यूटर, हाँ हम बात करते हैं शिक्षक की, वी टॉक अबाउट द होली गोस्ट, हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं. एवरीबॉडी सेज आमेन 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 आमेन. अरे कोई कहता है आमीन 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 आमीन. बट देन यू से, पर तब आप कहेंगे, नाउ लिसन टू दिस मैन, अब इस आदमी की भी सुनो. बैंग, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. हाँ, तब आती है समस्या. बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो नहीं समझ पाते. वेयर दैट होली गोस्ट इज स्पीकिंग फ्रॉम, कि वो पवित्र आत्मा कहां से बोल रहा है. दैट्स व्हाई द इलेक्टेड वुड अंडरस्टैंड द लीडर. इसलिए चुने हुए अगुए को समझेंगे. नाउ आई एम रीडिंग फादर, मैं आगे पढ़ रहा हूं. इज द इलेक्टेड, ये चुने हुए हैं, हु गॉड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिन्हें खुदा ने जगत की नींव रखने से पहले, सीन एवरी वन ऑफ देम, देखा उनमें से हर एक को, एंड ही सेंट जीसस, और उसने यीशु को भेजा, टू रिडीम दैट पीपल, ताकि उन लोगों को छुड़ा ले, नॉट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को नहीं, but to redeem that people, पर उन लोगों को छुड़ाए. I hope you're catching this message. मैं आशा करता हूँ संदेश को पकड़ रहे होंगे. Christ didn't come to redeem Judas. मसीह कभी भी यहूदा इस्करियोती को छुड़ाने के लिए नहीं आए. Christ never came to redeem Caiaphas. मसीह कभी भी कैफा को छुड़ाने के लिए नहीं आए. He was not even interested in them. वो यहाँ तक कि उसमें कोई दिलचस्पी रखते ही नहीं थे. But he had interest in Simon called Peter. Amen. पर उनकी दिलचस्पी शिमोन पतरस में थी. His interest was in Nathaniel. उनकी दिलचस्पी नथानियल में थी. He was interested in Philip. उनकी दिलचस्पी फिलिपुस में थी. He was interested in that woman at the well. उनकी दिलचस्पी उस कुएं पे आई हुई स्त्री की थी. He personally visited them. वो व्यक्तिगत तौर पे उनके पास मिलने जा रहे हैं. He talks with them. वो उनके पास मिलने जा रहे हैं. Opened himself to them. अपने आप को उनके सामने खोल के रखते हैं. Whom do you say I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Thou art Christ, the Son of the Living God. तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है. Blessed art thou, Simon Barjona. हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है. Flesh and blood never revealed this. क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पे ये बात नहीं जाहिर की. But my Father which is in heaven. परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है. Gave you a revelation. Hallelujah. तुझे एक प्रकाशन दिया है. And Abraham completed a line. अब अब्राहम ने उस पंक्ति को कैसे कंप्लीट किया? Gave you a revelation, Peter. हे पतरस, तेरे को एक प्रकाशन दिया. Oh, who I am. कि मैं कौन? Who I am? मैं कौन हूँ? Upon this rock I'll build my church. इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया को तामीर करूँगा. And gates of hell can never go against it. और अधोलोक के फाटक उस पे कभी प्रबल ना हो पाएंगे. Rather prevail against it. Yes. They can never prevail against it. उसके ऊपर कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे. It's only the elected. ये केवल चुना हुआ है. Whom he's foresaw. जिसको उसने देखा है पहले. Every one of them. उनमें से हर एक को, and send Jesus to redeem that people. और यीशु को भेजा कि उन लोगों को छुड़ा ले. Not the whole world. पूरी दुनिया को नहीं. He wanted to, but he had to make a way for those. वो चाहता तो था, पर उनके लिए उसे मार्ग बनाना था. You see, he wanted the whole world to be saved. आप जानते हैं कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया बचे. But he could only save those who he foresaw. पर वो केवल उन्हीं को बचा सकता है जिसको उन्हें पहले से देखा है. Can't he save everyone? क्या वो हर एक को नहीं बचा सकता? Yes, he can. जी हाँ, बचा सकता है. But now comes the point. पर अब आती है बात. Who has redemption? छुटकारा किसके पास है? Who are in his thoughts? जो उसके विचारों में थे. You see, the criteria for you to be redeemed is in the beginning you had to be in his thoughts. तो आप पाएंगे जो निर्णय करने वाली बात है वो ये है, क्राइटेरिया जो है कि आपको उसके विचारों में होना पहले जरूरी था. अब आप उसके विचारों में थे नहीं, आप ताली बजाओ, आप यूं चिल्लाओ, आप कुछ करो, फर्क क्या पड़ता है? Amen. You see, you had to be his thoughts. आप पाएंगे आपको उसके विचार होना था पहले. That's where many Christians can't understand this. इसलिए बहुत सारे मसीही जो हैं इस बात को नहीं समझ पाते. How can God do such a thing? कैसे खुदा ऐसी चीज कर सकते हैं? This is called the mystery of his election. इसे बोलते हैं उसके चुनाव का भेद. Let me go a little step further with you. आइए मैं थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ूंगा. Because one day when this election opens before you completely, you will be gone. क्योंकि जिस दिन, amen. जिस दिन ये चुनाव आपके ऊपर पूरी तरीके से खुल जाएगा, आप चले जाएंगे. You will not be here. आप यहां नहीं रहेंगे. Is the elected. ये चुने हुए हैं. Who God before the foundation of the world seen. जिसको खुदा ने जगत की नींव रखने से पहले देखा. Then my next question. तो फिर मेरा अगला सवाल. How many will go on to perfection, brother Joshua? भाई जोशुआ, की कितने लोग सिद्धता तक जाएंगे? Only the elected. केवल चुने हुए. Everybody cannot. हर एक कोई नहीं जा सकता. Amen. And our Lord Jesus was sent to redeem that people, not the whole world. और हमारे प्रभु यीशु मसीह भेजे गए उन लोगों को छुड़ाने के लिए, पूरी दुनिया को नहीं. He wanted to.
वो छुड़ाना तो चाहता है but he had to make a way for those. पर उनके लिए उसे एक तरीका बनाना पड़ेगा and the only way he could do और केवल एक तरीका जो वो करेगा was to send Christ. वो ये था कि मसीह को भेजे that he might come the propitiation for our sins of our sins ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए एक एवजी में दाम चुकाने का काम करे that those who've been elected he could bring to him in glory ताकि वे जो कि चुने गए हैं पहले से उन्हें वो महिमा में लेके आए not everyone हर एक को नहीं everybody cannot come back to that glory हर एक कोई उस महिमा में आ नहीं सकता only a special elected class केवल एक चुनी हुई खास श्रेणी can come to that place उस स्थान पे पहुंच सकती है could you imagine god running his office so loosely क्या आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं खुदावन अपने काम को अपने ऑफिस को इतनी लापरवाही से चला रहा हो as to say मानो ऐसा कहा जाए well maybe somebody will think real sad about me कि शायद कोई मेरे विषय में बहुत ही दुखी होकर सोचे मैं मरा मैं गड़ा देखो मैं इतना सहा इसको देख के कोई रोए और कोई बहुत बुरा महसूस करे शायद इतना बुरा महसूस करके मुझ पे तरस खा के वो मेरे पास आ जाए Maybe somebody will think real sad about me. Maybe they'll come and get saved. हो सकता है शायद मेरे विषय में कोई सोचे कि ये बहुत ज्यादा दुख सह रहा है इसने बहुत परेशानी झेली तो इस विषय में होके मुझ पे एहसान करने के रूप में आके बच जाए He feel very sad about me. वो बहुत दुखी महसूस करेगा मेरे बारे में God don't have to beg you to do nothing. खुदावंद को किसी भी विषय में आपको कुछ करवाने के लिए आपसे भीख मांगने की जरूरत नहीं एनी बेगिंग यू नीड टू डू द बेगिंग नॉट गॉड जहां तक कि कोई भीख मांगने की बात है खुदा को नहीं आपको मांगना है आप भीख मांगे अपने लिए आप मांगे मुझे डेस्परेट होके मुझे होली गोस्ट दें yes. समझ मारी आपके यू डू द बेगिंग आपको भीख मांगनी है गॉड विल नॉट बेग खुदावन नहीं मांगेंगे एंड देन क्राइस्ट डाइड टू सेव दोज who God by foreknowledge elected to meet him yonder without spot or wrinkle aur masih un logon ke liye mare jinko khuda ne taki unko bachaye jinko khuda ne purv gyan ke dwara pehle se chun liya tha taki usko wo mile wahan par aage bina daag bina jhurri ke They were in his foreknowledge. वो उसके पूर्व ज्ञान में थे. And Christ died to save these people. और मसीह मरे ताकि इन लोगों को बचा ले. And they were elected for a purpose. और वो एक खास उद्देश्य से पहले से चुने गए थे. That they are without spot. कि वो बेदाग हों. Without any wrinkle. बेझुर्री हों. They are elected for a perfection. Amen. वो चुने गए एक सिद्धता के लिए. Hallelujah. In other words, दूसरे शब्दों में, when my messenger comes, जब मेरा संदेशवाहक आएगा, and he will say, let us go on to perfection, और वो कहेगा कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें, these who are in my foreknowledge, ये जो मेरे पूर्व ज्ञान में हैं, these names who I foreseen, ये नाम जिनको मैंने पहले से देख लिया है, it's they who will respond to the messenger, ये वे हैं जो कि संदेशवाहक का जवाब देंगे, and say, और कहेंगे, yes sir, जी हाँ श्रीमान, let us go on to perfection, आओ हम चलें सिद्धता की ओर, I want to know more about this message. संदेश के बारे में जानना है I want to go where the Lord leads me. मैं वहां जाना चाहता हूं जहां प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे हैं I hope you're catching it. मैं आशा कर रहा हूं आप इसे पकड़ रहे होंगे Amen. Now this is something which we need to catch it. अब ये कुछ ऐसी चीज है जो हमें पकड़ने की जरूरत है Then Christ died तो मसीह मरे to save those who God by foreknowledge elected to meet him yonder without spot or wrinkle. फिर मसीह मरे ताकि उनको बचाएं जिनको खुदा ने पूर्व ज्ञान के द्वारा पहले से चुना ताकि वहां पर आगे बिना दाग बिना झुर्री के वो प्रकट हो बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड जगत की नींव रखने से पहले ही सीन यू इन ग्लोरी उसने आपको महिमा में देखा था आई एम रिपीटिंग द लाइन मैं इस पंक्ति को दोहरा रहा हूं ही सीन यू इन ग्लोरी उसने आपको महिमा में देखा था ही सीन यू इन योर ग्लोरीफाइड स्टेट उसने आपको अपनी महिमा युक्त स्थिति में देखा था ही सीन यू नॉट इन दिस बॉडी उसने आपको इस देह में नहीं देखा था ही सीन यू इन योर ग्लोरीफाइड स्टेट उसने आपको उस महिमा युक्त स्थिति में आपकी देखा था एंड यू आर प्रीडेस्टिनेटेड टू दैट स्टेट और आप पहले से ठहराए गए उस अवस्था के लिए बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड जगत की रेव रखने से पहले दैट्स व्हाट Bible said yahi cheez Bible kehti hai Ephesians the first chapter Ephesians pehla adhyay fifth chapter the first verse panchwa adhyay pehli ayat he's actually referring to the first chapter wo vastavikta mein pehle adhyay ki or sanket kar God predestinated by foreknowledge
खुदा ने पहले से ठहराया पूर्व ज्ञान के द्वारा. Now if God did that, अब खुदा ने अगर ऐसा किया, predestinated us before the foundation of the world, पहले से ठहराया जगत की नींव रखने से पहले हमें, and knew every one of us by name, और हम में से हर एक को नामजद पहचाना, before the foundation of the world, जगत की नींव रखने से पहले, which kind of name? किस किस्म का नाम? Not Robert and Francis. Robert और Francis नहीं. But the name which is in the book. पर वो नाम जो पुस्तक में है. He knew us by our names. वो हमें हमारे नामों के द्वारा जानता था. Every one of us. हमें से हर एक को. Before the foundation of the world. जगत की नींव रखने से पहले. And he elected us. और उसने हमें चुना. To eternal life. अनंत जीवन के लिए. And sent Jesus Christ, और प्रभु यीशु को भेजा, to redeem us, ताकि हमें छुड़ाए, that 6,000 years ago he saw us, कि 6,000 साल पूर्व उसने हमें देखा था, that we might appear to his praises in glory, ताकि हम प्रकट हो उसकी महिमाओं में, उसकी महिमाओं के लिए, उस महिमा में, उसकी प्रशंसा के लिए महिमा में हम प्रकट हो, उस जलाल में प्रकट हो. How can you ever be lost? कैसे आप कभी खोए जा सकते हैं? It's impossible for a true born again believer to be ever lost. Amen. ये बिल्कुल अनहोना है वास्तविक नया जन्म प्राप्त किए विश्वासी के लिए कि कभी वो बर्बाद हो जाए. He can backslide. वो पीछे हट सकता है. But he can never be lost. कभी बर्बाद नहीं हो सकता. Now there's something to understand. अब ये कुछ ऐसा समझने के लिए. I'll read further down, but I'll just read a minute for you something. मैं आगे पढ़ूंगा पर मैं एक मिनट के लिए आपके लिए कुछ पढ़ूंगा. I hope you're catching the message. मैं आशा करता हूं आप संदेश को पकड़ रहे होंगे. In other words, to follow perfection, you need to follow a messenger. दूसरे शब्दों में सिद्धता प्राप्त करने के लिए आपको एक संदेशवाहक के पीछे चलना पड़ेगा. You have to walk in an exodus. आपको एक निर्गमन में होकर चलना पड़ेगा. And you have to leave these principal things. और आपको इन आरंभिक बातों को छोड़ना पड़ेगा. It doesn't mean you didn't fulfill them. इसका मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें पूरा नहीं किया. After fulfilling them, you go on. उनको पूरा करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं. And when you go towards that perfection, और जब आप उस सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, you are going to a place, आप एक ऐसे स्थान पे जा रहे हैं, where God thought of you, जहां पर खुदा ने आपके विषय में सोचा था. Let's go to these thoughts for a minute. आइए हम कुछ समय के लिए इन विचारों में जाएंगे. Ephesians chapter 1, इफिसियों का पहला अध्याय. Amen. And let's see the aim where a believer is headed up for. अब आइए देखते हैं वो लक्ष्य जिसकी ओर एक विश्वासी इंगित है. I am reading from verse 4 in chapter 1. मैं पहले अध्याय की चौथी आयत से पढ़ रहा हूँ. Because this is the place in the scripture Brother Branham is referring to. क्योंकि ये वो स्थान है जो कि वचन में है जिसकी ओर भाई ब्रैनम उसका उल्लेख दे रहे हैं. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्राधिकारी पुत्र हों. God bless you. We have stopped reading that word lepalak. Yes, हमने इस लेपालक शब्द को पढ़ना बंद कर दिया है. Because now we know what adoption is. क्योंकि हम जानते हैं कि adoption क्या है. It's the son receiving authority. ये पुत्र है जो अपने अधिकार को प्राप्त करता है. But just a minute. पर एक मिनट के लिए. Read the line again. इस पंक्ति को फिर से पढ़िए. Having predestinated us unto the adoption of children. कि हमें पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्राधिकारी पुत्र हूं. That is the goal. ये है उद्देश्य. That we be adopted. कि हमारा पुत्राधिकार हमें मिले. Now connect with Hebrews 6. अब इसे जोड़िए इब्रानियों 6 से. Let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चले. What is it? ये क्या है? Let's go on to adoption. आओ हम adoption की ओर बढ़ चले. Let's not be children. आओ हम बच्चे न ठहरे केवल. But the tutor is teaching us. पर शिक्षक हमें यह सिखा रहा है. And it's taking us to a place. और हमें उस स्थान पे ले जा रहा है. That we are called an adopted son and daughter of God. कि हम एक पुत्राधिकार प्राप्त बेटा बेटी खुदा के कहलाएं. And God foresaw us. और खुदावन ने हमें पहले से देखा. As a fully adopted son and daughter. एक पूर्ण पुत्राधिकार प्राप्त बेटे बेटे के रूप में. Listen, sir. सुनिए श्रीमान. Adoption means fellowship with unseen. Amen. पुत्राधिकार प्राप्त का मतलब है अनदेखे से संगति. Fellowshipping with
एल्डर्स, प्राचीनों के साथ संगति, स्पीकिंग द वर्ड, वचन को बोलना, एंड इट जस्ट हैपेंस as it is said, और ठीक जैसा बोला जाता वैसे ही हो जाता है. That's what adoption means. यही adoption का मतलब है. And God foresaw us. और खुदा ने हमें पहले से देखा. And saw us in that state. और हमें उस स्थिति में देखा. Then हमारी एक ऐसी स्थिति है. Amen. Hallelujah. Glory. That state is already there. वो स्थिति पहले से है. And what you and I need to do today? और आज मेरे को और आपको क्या करने की जरूरत है? Let us go on. आओ हम आगे बढ़े. Let us walk into that state. आओ हम उस स्थिति में चल के पहुंचे. Which is waiting for us. जो हमारे लिए इंतजार कर रही है. Predestinated before the foundation of the world. जगत की नींव रखने से पहले ठहरा दी गई है. A glorious body. एक महिमा में देह. Adoption robe. एक पुत्राधिकार का बागा. A power. एक शक्ति. Speak my son. बोल मेरे बेटे. And you speak that word. और आप उस वचन को बोले. That state is waiting right now. वो अवस्था ठीक यहाँ पर इंतजार कर रही है. And this is what the messenger wanted to teach the Pentecostal babies. और यही चीज संदेश वाक पेंटिकॉस्टल बालकों को बताना चाह रहे थे. And the angel said. और दूत ने कहा. Leave them alone. इन्हें अकेला छोड़ दे. These Amen. Babies are not for perfection. ये बच्चे सिद्धता के लिए नहीं ठहराए गए. There are some babies that would learn. Amen. पर कुछ बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं. Who I predestinated to an adoption. जिन्हें मैंने पुत्राधिकार के लिए ठहराया है. These six things only prepare a foundation. ये छह चीजें तो केवल मात्र नींव बनाती हैं. But perfection is an adoption. पर सिद्धता पुत्राधिकार में है. That is why. इसलिए. When adoption time comes. जब पुत्राधिकार का समय आता है. The capstone comes. चोटी का पत्थर आता है. And when the capstone comes crying grace, grace. और जब चोटी का पत्थर अनुग्रह अनुग्रह पुकारता हुआ आता है. When your pyramid is finished. जब आपका त्रिभुज पूरा हो जाता है. Then you become a living tabernacle of a living God. तब आप एक जीवते खुदा के जीवते निवास स्थान बन जाते हैं. A living temple. एक जीवते मंदिर. The house of God. खुदा का देह. Which died in the old birth. ये पुरानी पैदाइश में जो पुरानी पैदाइश में मर गया था Which the worms had eaten, जिसे कीड़ों ने खा लिया था, even till the soul, यहाँ तक कि प्राण तक के, but I want to tell you, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, inside that soul, उस प्राण में, there was a gene, एक जीवांश था, and inside that gene, और उस जीवांश में, was written restoration, लिखा था बालीकरण, was written redemption, छुटकारा, because you are predestinated, क्योंकि आप पहले से ठहराए गए हैं, and so in an opportune time, और एक खास नियमित समय में, when the messenger came, तब संदेश And gave you the six things. और छह चीजें आपको देता है. Quickly you came to that foundation. ठीक आप उस नींव पे आ जाते हैं. And when you finish the foundation. और जब नींव को पूरा करते हैं. Quickly he said. एकदम से वो कहता है. Now launch from here. और अब यहाँ से एक उड़ान भर. Let's come to another place. आओ हम एक और स्थान पे आए. A place called perfection. एक ऐसा स्थान जिसे सिद्धता कहते हैं. Hallelujah. Paul, brother Paul. भाई पौलुस. Do you have any vision of perfection? सिद्धता का दर्शन है. Let us see some of his visions. आइए हम उनके कुछ दर्शनों को देखें. Amen. Hallelujah. Second Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों. Chapter 12. बारवां अध्याय. Let's see what Paul says here. आइए देखते हैं पौलुस यहां क्या कहते हैं. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा. I knew a man in Christ about 14 years ago. He's referring to himself. Whether in the body, I cannot tell. Or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं 14 वर्ष हुए वो अपने विषय में कह रहा है कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित खुदा जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया. When did this happen, Paul? क्या हुआ पौलुस? When did this happen, Paul? ये कब हुआ पौलुस? You know, when I had gone to Arabia. आप जानते जब मैं अरावा गया था. That was when I received these visions. ये तब समय था जब मैंने इन दर्शनों को प्राप्त किया. 14 years back this happened. 14 साल पहले ये हुआ. Follow this carefully. इसके पीछे According to Ushers, this is AD 60. Ushers क्रोनोलॉजी के अनुसार ये 60 AD है. If you go 14 years back, that would be AD 46. Amen. अगर आप 14 साल पहले जाएंगे 46 होगा. And that is approximately the time after his conversion. और ये लगभग उस समय के दौरान है जब उसका परिवर्तन हुआ.
And after his conversion, और उसके कन्वर्जन के बाद, this is when these things happen in his life. ये वो चीजें हैं जो कि उसके जीवन में घटी. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? I saw a man. मैंने एक आदमी को देखा. Myself. खुद. Whether in body or out of body, I don't know. चाहे देह सहित, चाहे ना जाने देह रहित, मैं नहीं जानता. Such an one caught up to the third heaven. ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया. And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित. God knoweth. खुदा ही जानता है. How that he was caught up into paradise. कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया. You see now paradise was not down. अब आप जानेंगे ये paradise फिरदौस नीचे नहीं था. Now paradise was up. परंतु अब फिरदौस ऊपर था. And he was caught up to that paradise. और वो उस स्वर्ग तक स्वर्ग लोक तक उठा लिया गया. And heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं. Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in my infirmities. और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य गोचत नहीं, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़. In other words, दूसरे शब्दों में, this angel also had been to that place. ये दूत भी उस स्थान तक गया था. He also experienced that body. उसने भी उस देह का अनुभव किया. Though he could not completely explain it. जबकि वो बहुतायत से उसको समझा नहीं पाया. He couldn't explain it in a great detail. वो उसको बड़ी विस्तृतता से उसको नहीं समझा पाया. But he said, I know such a man. पर वो कहता कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ. And now he says, और वो ये कहता है, Now let us go to that perfection. आओ हम उस सिद्धता की ओर बढ़ चलें. Amen. Turn with me to 1 Corinthians. मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों. Amen. Another revelation this brother has. एक और प्रकाशन जो इस भाई के पास है. And I'm reading verse 11 and verse 12. और कौन सा दिया? Chapter 13, sorry. 13वां अध्याय और मैं 11वीं और 12वीं आयत पढ़ रहा हूँ. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. He's trying to bring a difference between a child and an adult. वो फर्क दिखाने की कोशिश कर रहा है एक बच्चे और एक परिपक्व वयस्क के बीच में, सियाने के बीच में. A child is never adopted. एक बच्चा कभी भी पुत्राधिकार प्राप्त नहीं करता. I was a child. मैं एक बच्चा था. I saw as a child. मैं बालक की नाई देखता था. Spake as a child, understood as a child, thought as a child. बालक के समान बोलता था, बालक का सम्मान था, बालकों की समझ थी. But when I became a man, परंतु जब मैं सियाना हो गया, he's taking that as an example. वो उसे एक उदाहरण के रूप में ले रहा है. I put away childish things. मैंने बालकों की बातें छोड़ दी. For now we see through a glass darkly. अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है. But then face to face. परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे. For I know in part. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है. But then shall I know even as also I am known. परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं. Are understanding? क्या समझ रहे हैं? And then verse 10. और फिर दसवीं आयत. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Amen. परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा. You see, as a prophet, आप पाएंगे एक नबी होने के नाते, he could see an age coming. वो एक युग को देख सकता था आते हुए. When perfection would come on this earth, जब सिद्धता इस दुनिया में आ जाएगी पृथ्वी पे, perfect would come. सिद्ध आएगा. And he's saying, let us go to that perfect. और वो कह रहा है कि आओ हम उस सर्वसिद्ध तक पहुंचे. Let us go to that perfection. आओ हम उस सिद्धता तक पहुंचे. Today I see in part. आज तो मैं अधूरा देखता हूँ. My knowledge is in part. मेरा ज्ञान अधूरा है. Then all these part revelations will be completed. तब ये तमाम अधूरे प्रकाशन पूरे हो जाएंगे. Hallelujah. A day. एक दिन. When there will be a minister. एक सेवक होगा. On this earth. इस पृथ्वी पे. Would pick up all the loose ends. जो कि छूटे हुए भेदों को उठाएगा. And reveal the complete mystery. और संपूर्ण भेद को प्रकट करेगा. For the rapturing of the bride. दुल्हन के उड़ाए जाने के लिए. I hope you're understanding. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे. That is not the age of the child. ये बच्चे का बालक का युग नहीं होगा. That would be the age of perfection. परंतु वो सिद्धता का युग होगा. Let us leave childish things. आओ हम बालक वाली बालक वाली बातें छोड़ दें. Let us leave झुरझुरी फुरफुरी and all that stuff. ये हम झुरझुरी और फुरफुरी अनुभूतियां छोड़ दें. Let's leave all these kinds of things. आइए हम इन तमाम किस्म की चीजों को छोड़ दें. Let us press on to the fullness of the word. आइए हम वचन की परिपूर्णता तक पहुंचे. The mysteries that have been revealed today. वो भेद जो कि आज प्रकट हुए हैं. When those mysteries have been opened. जब वो भेद खुल गए हैं. It brought a revelation. ये एक प्रकाशन लेके आया. Of who I am. कि मैं कौन हूं उसका.
Amen. My new birth became clear. मेरा नया जन्म स्पष्ट हो गया. Then I'll be known as I am known. तब मैं वैसे पहचाना जाऊंगा जैसा तब मैं वैसा पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया था. जैसा मैं जाना जाता हूं कहां स्वर्ग में. Amen. जिस ज्ञान तक मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया लेकिन उस दिन पहुंच जाऊंगा. Amen. कि मैं कौन हूं. Yes. Amen. Amen. And here comes an Omega messenger. और यहां पर एक ओमेगा संदेशवाहक आता है. And he says, you know what? और वो कहता है क्या आप जानते हैं? This Paul. ये पौलुस. He's a messenger of the first church age. ये पहले युग का संदेशवाहक है. Then Paul in heaven says. तो वे पौलुस स्वर्ग में कहता है. Oh, that's what who I am. Oh, ये हूँ मैं. That's what I am. ओ ये हूँ मैं. An angel of the first church age. पहले कलीसिया काल का दूत. Praise God. खुदा की तारीफ हो. I receive my blessing. मुझे अपना स्थान मिल गया. Amen. No messenger of any age placed the messengers of ages. कोई भी संदेशवाहक किसी भी युग का उसने इस काम को नहीं किया कि संदेशवाहकों को उनकी जगहें दी हों. It was only this age. केवल यही युग था. Which placed all the messengers. जिसने संदेशवाहकों को स्थान दिया. And told which messenger belonged to which age. और बताया कि कौन सा संदेशवाहक किस युग का है. Because this age was a placing message. क्योंकि ये युग जो था एक स्थान देने वाला संदेश था. And when it began? और ये कब शुरू हुआ? 1960. The year he preached adoption. जिस साल उन्होंने पुत्र अधिकार प्रचार किया. Amen. Year when he went beyond the curtain of time. जिस साल वो समय के पर्दे के परे गए. And he's returning back as Joshua. और वो यहोशू की रूप में वापस लौट. To further the commission. ताकि सेवकाई को आगे बढ़ाएं. Which he saw in 1957. जिसको उन्होंने 1957 में देखा. When he started preaching Hebrews. जब उन्होंने इब्रानियों की पुस्तक प्रचार करना चालू किया. And now 1960. और अब 1960. He starts with Patmos vision. वो चालू करते पद्मस दर्शन से. The revelation of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश वाक्य. And he said yes, even Peter qualifies to be called a messenger. वो कहते हैं हाँ यहाँ तक कि पत्रस भी है जो कि गुण रखता है कि वो एक संदेशवाहक कहलाए. But according to the God given principle. पर खुदावंत के दिए हुए सिद्धांत के अनुसार. It'll not be Peter but Paul who would qualify to be called the messenger of that age. ये पत्रस नहीं होगा परंतु ये पौलुस होगा जो योग्यता ये पात्रता रखता है कि वो इस युग का संदेशवाहक कहलाए. Then Paul understood. तब पौलुस समझा. Who I am. कि मैं कौन हूँ. Then Irenaeus knew who he is. फिर इरेनियस समझ गया कि वो कौन है. All those who are beyond the curtain of time. ये तमाम जो कि समय के पर्दे के परे हैं. When this messenger in this age was preaching. जब ये संदेशवाहक इस युग में प्रचार कर रहा था. Explain who they were. समझाए कि वे कौन हैं. Then he explained who he is. तब उसने समझाया कि वो कौन है. Malachi 4. मलाकी 4. Revelations 10:7. प्रकाशवाक्य 10:7. And then he goes on to explain who you are. फिर वो आगे बढ़ता है समझाने के लिए कि आप कौन हैं. And when you come to your perfection. और जब आप अपनी सिद्धता में पहुंचते हैं. In your perfect state. आपकी सिद्ध अवस्था में. You then know as you are known. तब आप पहचानते हैं उसको जैसा आप जाने जाते थे. You come to a revelation. आप एक प्रकाशन पे पहुंचते हैं. Or who you were before the foundation of the world. कि आप कौन थे जगत की नींव रखने से पहले. That's where election is taking you. यह है वो स्थान जहां पर चुनाव आपको ले जा रहा है. That's the purpose of the opening of the book. यह है उद्देश्य पुस्तक के खोले जाने का. To give you a revelation. ताकि आपको प्रकाशन दे. That you can understand it. We heard many stories on that. हाँ ताकि आप इसको समझ पाए. हमने बहुत सारी कहानियां सुनी उस पे. मामा दैट इज मी यू नो. मामा ये मैं हूँ आप जानती हैं. The mother eagle coming. जो माँ उकाब है जो नीचे उतर रही है. All these things explaining one thing. ये तमाम चीजें केवल एक बात समझा रही हैं. Your perfect state. आपकी सिद्ध अवस्था को. Amen. Amen. You not as a child. आप एक बच्चे के रूप में नहीं. You as an adult. पर आप एक वयस्क के रूप में. In the image of God. खुदा की समानता में. Fulfilling His plan. उसकी योजना को पूरा करते हुए. Walking in His will. उसकी उसकी इच्छा के अनुसार चलते हुए. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? That is what some elect are predestinated for. यही चीज़ है कुछ जिसके लिए चुने हुए पहले से ठहराए गए हैं. And if God elected you for that, और खुदावन और वो कहते हैं कि अगर खुदा ने आपको इसके लिए चुना है, how can you ever be lost? तो कैसे आप कभी बर्बाद हो सकते हैं? Elect can never be lost. चुना हुआ कभी बर्बाद नहीं हो सकता. Elect can not be deceived. चुना हुआ कभी भी धोखे में नहीं आ सकता. I'll go a little further. Amen. मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा. I still have about 15-20 minutes. मेरे पास 15-20 मिनट अभी भी हैं. Now, if you are saved, you are saved. अगर आप बच गए तो आप बच गए. If God saves you tonight, अगर खुदावन आपको आज बचा ले, knowing He is going to lose you 10 years from today, इस बात को जानते हुए कि आपको 10 साल आगे आने वाले में आपको वो खो देगा, He is defeating His own purpose. तो वह अपने उद्देश्य को
असफल कर रहा है. द इनफाइनाइट ऑलमाइटी इटर्नल एवरलास्टिंग विजडम गॉड डजंट नो इनफ देम. वो असीमित, असीम, सर्वशक्तिमान, अनंत, हमें अनंत काल का ज्ञान रखने वाला खुदावंद इतना काफी नहीं जानता. फिर इसका मतलब whether you will hold out or whether you won't. उसकी जो समझ है वो इतनी काफी नहीं है जानने के लिए कि आप बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे. Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? He knew, in other words, everything. दूसरे शब्दों में वो जानता था हर एक चीज को. He knew about everything that'll happen with you. वो जानता था कि हर एक चीज जो आपके साथ होगी. And he could see you in the end. और अंत में वो आपको देख सकता था. Holding on. कि आप पकड़े हुए हैं. And going on. और आगे बढ़ रहे हैं. That's how he said. इसलिए उसने कहा, I have saved you. मैंने इसको बचा लिया. When God tells anybody, I have saved you. जब खुदावन किसी को कहता कि मैंने तुझे बचा लिया है, he saved for eternity. वो अनंत के लिए बच जाता है. Hallelujah. Not for some little time. उस थोड़े समय के लिए नहीं. Oh, sorry, I lost him. Oh, गलती हो गई. ओहो, ये चला गया. आज आया था, कल चला गया. Oh, I saved him today. Oh, मैंने आज उसको बचा लिया. Oh, I lost him tomorrow. Oh, कल मैंने उसको खो. But now I saved him back again. पर फिर से मैंने उसको बचा लिया. फिर से मैंने उसका दूसरा बपतिस्मा करवा दिया. Oh, then I lost him again. फिर मैंने उसका तीसरा बपतिस्मा करवा दिया. मैं कहीं बोल रहा हूं. Yes. I hope आप समझ रहे होंगे. मेरी दुआ है कि जिनका दोबारा बपतिस्मा हुआ वो जरा उसकी महत्ता को समझें. Amen. खुदा का बिजनेस ऐसे नहीं चलता. आज बचाया, कल खो दिया, फिर बचा लिया. नहीं नहीं, खुदावन का बिजनेस ऐसे नहीं चलता. When he saved you, जब उसने आपको बचाया तो उसने आपको बचा लिया. या तो ये कहें खुदावन को मालूम नहीं इतना. जिसे सब कुछ मालूम है, अंत मालूम है, उसे इतना भी नहीं मालूम पड़ा कि आज से 10 साल के बाद आप गिर जाएंगे. He knows everything. वो हर एक चीज जानता है. और नबी ड्रामा खींच के कह रहे हैं, देन व्हेन ही सेव्स यू, यू से, जब आपको बचाता तब आप कहें, आप कहेंगे, वेल आई विल गिव हिम अ ट्राई. हाँ ठीक है, मैं इसको अजमा के देखता हूं. खुदा कह रहा है, मैं देखता हूं इसको अजमा के. आई विल सी व्हाट ही डू, देखता हूं मैं कि क्या करेगा. Then he does not know the end from the beginning. इसका मतलब तो ये है, उसको शुरुआत से लेके अंत पता नहीं. God knows what he's doing. खुदावन जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. Don't you never worry about that. इस बात की आप कभी चिंता मत करिए. It's you and I stumbling along. ये तो आप और मैं हैं जो फिसल जाते हैं. God knows what he's doing. खुदावन जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. And he knew. और वो जानते थे. Whether we'd hold out or what we would do. कि हम क्या स्थिर खड़े रह पाएंगे या नहीं, या पकड़े रहेंगे या नहीं. Now the Bible said. अब बाइबल ने कहा, that Esau and Jacob, इसाव और याकूब, before either child was born, इससे पहले दोनों बच्चे पैदा होते, God said, I love one, खुदा ने कहा मैंने एक से प्रेम रखा है, and hate the other one, और दूसरे से नफरत की है, before they even breathed their first breath, यहां तक कि इससे पहले उन्होंने अपनी पहली सांस भी ली हो, that his election might stand true, ताकि उसका चुनाव स्पष्ट सत्य खड़ा हो. It is these जिन्होंने अभी पहली सांस भी नहीं ली, लेकिन खुदा ने पहले से कह दिया, इसको चुना है, इसको नहीं चुना, इसे प्यार है, इसे प्यार नहीं. इट इज दीज जिन्होंने अपनी पहली सांस भी नहीं ली, प्रीडेस्टिनेटेड टू एन अडॉप्शन. आमेन. ये है वो जिन्होंने अपनी पहली सांस भी नहीं ली, है, इनको उसने पहले से पुत्राधिकार के लिए ठहरा दिया है. इन अदर वर्ड्स, देयर वाज सम, दूसरे शब्दों में कुछ थे, when they came out of the womb, जो कि कुख में से बाहर आए, and the doctor slapped, और डॉक्टर ने उनको थपथपाया, and that baby cried, और बच्चा रोया. God knew, खुदावन जानते थे, this is my child, ये मेरा बच्चा है, this is an adopted son, ये एक पुत्राधिकार प्राप्त बच्चा, I have a vision for this child, मेरे पास एक दर्शन है इसके लिए, and I will make him what I want to, और मैं उसको वो बना के रहूंगा जो बनाना चाहता हूँ. He will read the book, वो पुस्तक को पढ़ेगा. Amen, amen. He is my species. ये मेरी प्रजाति है. And he will run towards me. और ये दौड़ के मेरे पास आएगा. Hallelujah. And I will give him my book. और मैं इसे अपनी पुस्तक दूंगा. And when that age comes, और जब युग आएगा, as he grows up, जैसे से वो बढ़ेगा, he will show my characters. वो मेरे चरित्रों को दिखाएगा. And one fine day would come.
और एक दिन खास आएगा when I and him will be just one. जब वे और मैं केवल एक हो जाएंगे and I'll just step in him. और ठीक मैं उसमें घुस जाऊंगा and I'll say, speak my son. और कहूंगा बोल मेरे बेटे whatever you want. जो कुछ तुझे चाहिए it shall be done for you. ये तेरे लिए हो जाएगा that's my vision for this child. ये है मेरा दर्शन इस बच्चे के लिए which day did God have that vision? किस दिन उसको खुदा को ये दर्शन आया when that child was still in the labor room. जब वो बच्चा अभी भी लेबर रूम में था आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या आप समझ रहे हैं गॉड न्यू वेयर दिस चाइल्ड वुड गो खुदावन जानते थे कि ये बच्चा कहां जाएगा प्रीडेस्टिनेटेड पहले से ठहराया नॉमिनल क्रिश्चियंस कांट अंडरस्टैंड दिस नामधारी ईसाई नामधारी मसीह लोग इस बात को नहीं समझ पाते दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग देयर वे टू एन अडॉप्शन इसलिए वो अपनी मेहनत करके काम कर रहे हैं कि वो उस पुत्राधिकार तक पहुंची एंड दैट इज व्हाट कैन डन और यही काम कैन ने किया एंड ही वाज नेवर एक्सेप्टेड और वो कभी भी स्वीकार नहीं हो पाया बट द इलेक्ट हैव अ साइन पर चुने हुए के पास एक चिन्ह है ही ऑलवेज हैज अ रिवेलेशन ऑफ हिज एज उसके पास हमेशा अपने युग का प्रकाशन होता है ही ऑलवेज हैज अ रिवेलेशन ऑफ द लैम्ब उसके पास हमेशा मेमने का प्रकाशन होता है एंड व्हेन ही सीज द लैम्ब और जब वो मेमने को देखता है ही रिकॉग्नाइजेस दिस इज माय लैम्ब वो ये पहचान लेता ये मेरा मेमना है and God says yes और खुदावन कहते हैं हाँ and you are accepted और आप ग्रहण योग्य हो गए and I send fire on your altar हमें तेरी कुर्बानी पे वेदी पे आग भेजता हूँ and I'll accept your sacrifice और मैं तेरी कुर्बानी को ग्रहण करूँगा I hope you are understanding the message मैं आशा करता हूँ आप संदेश को समझ रहे होंगे then when the sacrifice is accepted और जब तब की कुर्बानी ग्रहण हो जाती है and then Cain wonders why was not mine और फिर केन सोचता है मेरी क्यों नहीं ग्रहण हुई predestination पहले से ठहराया जाना इलेक्शन चुनाव फॉर नॉलेज ऑफ गॉड खुदा का पहला पूर्व ज्ञान दो लोग चर्च आएंगे दो लोग घुटने पे आएंगे दो लोग दुआ करेंगे एक की सुनूंगा एक की नहीं सुनूंगा दो लोग हालेलुया बोलेंगे दो लोग हाथ उठाएंगे दो लोग कहेंगे थैंक यू जीसस एक की सुनूंगा एक की नहीं सुनूंगा बाइबल जब कही जाएगी खोलो दो लोग खोलेंगे दो लोग पढ़ेंगे दो लोग उत्सुकता दिखाएंगे लेकिन मेरा चुनाव एक के साथ है Amen. एक मेरे चुनाव में नहीं है yes. And it is that child और यह है वो बच्चा who has been chosen by me जो मेरे द्वारा चुना गया है who will go on to perfection. जो कि आगे सिद्धता तक जाएगा Sometimes those who look as if they are nothing, कभी कभी ऐसा होता है जो मानो दिखेंगे कि वो कुछ नहीं है they are the ones who make it to perfection. ये है वो amen, जो सिद्धता तक पहुंचते हैं And those who look very great, और जो लोग बहुत बड़े महान दिखते हैं they go nothing. वो कुछ नहीं कर पाते no, they are able to do nothing. वो कुछ नहीं कर पाते But these nobodies, पर ये nobodies, see? देखिए मदर रबेका लव जेकब माँ जो रिबका थी वो याकूब से प्रीति रखती थी शी न्यू द प्रोफेसी वो भविष्यवाणी को जानती थी एंड शी न्यू हूज इन द लव ऑफ गॉड और वो जानती थी कौन खुदा का प्रिय है एंड देन और तब व्हेन द टाइम केम जब समय आया एज आई पुट द ड्रामा इन द चर्च जैसे ड्रामा मैंने कलीसिया के सामने रखा जेकब सेड गिव मी दैट बर्थराइट याकूब याकूब सॉरी एसाव सेड एसाव ने बोला कि मुझे पहलौठे का अधिकार दे नो सो जेकब सेड दैट गिव मी योर बर्थराइट ओके यस याकूब ने बोला कि मेरे को अपना पहलौठे का अधिकार दे दे ओनली देन आई विल गिव यू माय पल्सेस तभी मैं तेरे को अपनी दाल दूंगा एसाव थॉट तब एसाव ने कहा व्हाट मैडनेस क्या मूर्खता है व्हाट काइंड ऑफ फूलिशनेस एंड गेम्स इज दिस brother of mine trying to play with me oh kis kisam ke khel murta wale ye bhai mera mere pe khel raha hai you want birthright birthright chahiye okay I given pelote ka de diya le birthrights are not given by speaking oh pelote ka kaise move se bolne se nahi diye jate he forgot the value of confession wo angikar ke mehatta ko moolya ko bhul gaya what you say with your mouth is written in heaven jo kuch aap apne muh se bol dete hain wo swarg mein likh diya jata hai I hope you're catching it. मैं आशा करता हूँ आप इसे पकड़ रहे होंगे. ऐसा couldn't catch that point. ईसा उस बात को नहीं पकड़ पाया. He was already born rejected. वो पहले से ही पैदाइशी तिरस्कृत था.
जबकि जो इलेक्टेड पैदा हुआ था दुनिया की आंखों में वो रिजेक्टेड दिखता था. Yes. ये बेकार है, ये तो रिजेक्ट, ये तो इलेक्शन में है ही नहीं. एक्चुअली वो इलेक्शन में था, और जो लगता था कि ये है भाई, क्या है बाप का चहेता और ये वो, फाइनली प्रूव यही हुआ ये कुछ भी नहीं है. मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं इस बात को बोलूंगा. कलीसिया में जब भाई लाल थे, उम्र के कारण भी और वैसे भी ले लें औधे के कारण, तो मानो कईयों के लिए एक बाप के समान भी थे. समझ मारी आपके? मैंने देखा भाई लाल, मैं लाया हूं आपके लिए एक मिठाई का डब्बा, फिर एक और कुछ और कुछ. गॉड रियली ब्लेस यू भाई, नबी के साथ हुआ, आज भी हो रहा है, बड़ी प्यारी बात है. लेकिन इतना क्लोजनेस दिखाने वाले उस भाई का एक्चुअली हुआ क्या? वो तो बैठ के जुआ खेल रहा था, वो तो अपने पैसे आजमा रहा था, कईयों से पैसा ले गया. मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, एक ऐसे तो मेरे पास कई उदाहरण हैं. ब्रदर लाल मैं आ गया, भाई लाल का हमारा कमरा वो भाई टाइटस भी जानते हैं, आज भी मैंने उसको वैसे का वैसे ही छोड़ा है, बिल्कुल वैसे का वैसा. कमरे में आना बैठना और ब्रदर लाल ये वो, और मुझे आवाज आती है, खूब आती थी, बातें चल रही हैं, खूब बातें चलती थी, खूब चली. थोड़े समय के बाद समझ में आया कि ये जो आने वाले थे बहुत ब्रदर लाल करने वाले, अब ये चर्च में ज्यादा दिखते ही नहीं. फिर कोई और चीज उठा के देखी तो उसमें भी कुछ प्लस माइनस. मैं उन चीजों को बोलना नहीं चाहता. तो फिर सोचने का ये विषय बन जाता है कि आप कौन हैं, क्या हैं आप? फाइनली दाढ़ी बढ़ा के पगड़ी पहन के घूमे कि कईयों से लाखों करोड़ों रुपए ले लिए, एंड फाइनली अंत यही हुआ कि किसी बीमारी के कारण दुनिया से रहलत फरमा गए. मैं बातें क्यों कह रहा हूं? सेवा बहुत करी, सेवा बहुत करी. एसाउ ने अपने बाप की सेवा बहुत करी, और देखने में यह लग रहा है कि अगला कैंडिडेट अगर खुदा की ओर से कोई है जो कि बर्थराइट को ले और संभाले तो ये ब्रदर एसाउ ही हैं. लेकिन यह नहीं मालूम कि एसाउ के सामने जब सील्स की किताब खोलो वहीं पे एसाउ कॉकरोच की तरह भागता है, करता है, तरह तरह के चेहरे बनाता है, जैसे कॉकरोच पे फिनाइल गिराई इनके सामने सेवन सील्स खोली, या कोई संदेश की बात, मैसेज की बात. समझ मा रही है आपके? वहीं से थोड़ा सा पीछे धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हुआ आप कौन हैं. मैं ये कहूंगा एसाउ ने अपने बाप की बहुत सेवा करी, लेकिन शारीरिक रूप से जो बाप था इसहाक, और शायद याकूब वो सेवा नहीं कर पाया. और लिखा है इसहाक उसके लिए, एसाउ उसको फेवर करता था, लेकिन क्या इसहाक का फेवर जो एसाउ के साथ था काबिल हुआ कि एसाउ को बर्थराइट दिलवा पाए?
ये तो खुदा और व्यक्ति की बात है मेरे प्यारे भाई, जो तिरस्कार कर चुका वो गया और खुदा उसके अपना सिर उसे मोड़ चुका, और खुदा ने कहा एसाव से मेरी नफरत और याकूब से मेरी प्रीति है, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देखने में ऐसे लगता बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी ऐसे आदमी में है नहीं, आप समझ रहे हैं। When is election proved? ये चुनाव साबित कब होता है? When the time comes for the birthright blessing. जब समय आता है पैलौठे के हक की आशीष देने का। चाहते हुए भी ब्लेसिंग मिल नहीं पाई। अब मैं कैसे कैसे बोलूं, आज एक खास मीटिंग आई, एक खास मैसेज आया जो एक ब्लेसिंग लेके आया था, एक खास खुदावन का मौसम खुला जब खुदावन अपनी बरकत उंडेले, खास ऐसे टाइम पे ऐसा व्यक्ति गायब। कारण हो सकते हैं 10, लेकिन वो था नहीं। बाप ने साहु से कहा, मैं आज मीटिंग यहीं खत्म करूंगा, कि मैं अब वक्त आ गया, मैं बुजुर्ग हूं, मैं जाने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं दिल से तुझे बरकतें दूं, अब तू जा, मेरा दिल चाह तो तेरे को ही मालूम है साहु, तुझे ही मालूम है, मेरा दिल चाह गोश्त बना के ला, मैं खाऊंगा और आज मैं तुझे बरकत दूंगा। उनने कहा पापा बस अभी आता हूं, छोटी सी बात, आपको तो मालूम ही है मेरा सफेद घोड़ा, मेरा धनुष, मेरा तीर, जिसके साथ मैं जंगल में जाता हूं, आप तस्वीर समझ रहे होंगे, मैं हूं शिकारी, आत्मिक रूप से एक लीनियत से आ रहा हूं, क्योंकि वो भी एक शिकारी कहा गया दुनिया का बड़ा समझ रहे होंगे आप मैं कहां बोल रहा हूं, वही आत्मा। अब यहां मैं किसी भाई या बहन को जो शिकार का मीट खाते, मैं भी खाता हूं ब्रदर, मैं उसे कंडेम नहीं कर रहा, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बात कहीं और कर रहा हूं, प्लीज मुझे सही प्लेसिंग में मेरे साथ आप प्लेस हूं। अरे ब्रदर इसका मतलब अगर गलती से हमने शिकार मारा तो इसका मतलब हम तो गलत निकले, नहीं 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 ब्रदर, मैं ये प्रचार नहीं कर रहा, भाई ब्रदर हम खुद शिकारी थे, आपको मालूम है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं यह बात कुछ और कह रहा हूं जो आप अगर समझ पाए तो समझ लें। अभी आया पापा, उन्हें क्या मालूम कि पीछे मां छुपके सुन रही थी, अब वहां जेकब है ही नहीं, उन्हें तो यही नहीं मालूम आज एग्जामिनेशन का दिन है, आज है एग्जामिनेशन का दिन और आज रिजल्ट निकलने वाला है, उन्हें यही नहीं मालूम, वो बैठे कहीं बांसुरी बजा रहे हैं भेड़ों के साथ। मां ने कहा बेटा जल्दी कर, आज है रिजल्ट, आज है जबकि पता लगेगा कि किसको आशीष मिलेगी नहीं मिलेगी, भाग। वो तो वैसे ही आराम से उठे, धीमा चलता, जल्दी उठ, और मां ने तैयार किया, तैयार हुए, लेकिन मां मैं तो चिकना हूं, वो उसके पास तो बहुत बाल हैं, चिंता ना करो, उस बालों का भी मेरे पास अरेंजमेंट है, मेरे पास एक खाल है, आमेन, मैं तुझे वो उड़वा दूंगी, और तेरे बाप का टेस्ट अगर एसाव को मालूम है तो तेरे भाई की मां मैं भी हूं, इससे पहले तू और तेरा भाई पैदा हो खिलाती तो मैं ही थी ना इनको, इनका दिल का टेस्ट क्या है मुझे मालूम है, चिंता मत कर, मैं मदद करूंगी, समझ में आ रही है आपके, मुझे मालूम है इन्हें क्या अच्छा लगता है, जा ये फटाफट लेके आ, मार मैं इसको मार के ला, जल्दी फटाफट लेके आए। याकूब को बनाना नहीं आता, एसाव को बनाना भी आता है, बहुत बढ़िया शेफ है वो, और खूब अच्छी तरह से कौन सा मसाला कितना डालना है, कैसे करना है, कितना भूनना है, एसाव को सब मालूम है, याकूब को ABCD आती नहीं, आपकी समझ मारी है। आप प्लीज कंडेम ना फील करें, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, बात समझें, आत्मा पकड़े, बना के ले आए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब बरकतें मिली एसाव ने उसमें कितनी मेहनत करी, सॉरी याकूब ने कितनी मेहनत करी,
क्या मेमना पैदा किया? जो मेमना किसी का था हमारा। बनाया क्या? उन्हें बनाना नहीं आता, मां ने बनाया, क्योंकि मां को यह मालूम है चुनाव इसके साथ है। मां ने बनाया, मीट बना और बाप के सामने लगे गया। बाप ने कहा भाई आवाज तो याकूब की है, लेकिन हां पास मुला सूंघने के लिए खुशबू तो खैर साहू की है। यह है कमाल उस खाल का, यह कमाल उस मेमने की खाल का ब्रदर, जो हम पर उड़ा दी गई। तभी हर दुआ यीशु मसीह के नाम में होती है, मेमने के नाम में होती है। और तब जब बरकत देने का टाइम आया, दिल से सारी बरकतें दे दी। जिसे मालूम नहीं कि आज एग्जाम है, वो फर्स्ट आ गया और वो बरकतें लेके लौट रहा था, और खुदा ने भी कुछ ऐसा प्लान बनाया, इसे शिकार मिलेगा ही नहीं। आज थोड़ी दौड़ लंबी करवाऊंगा, डिले करवाऊंगा कि लौटेगा जब तक, तब तक ये यहां से निकल लेगा। जब ऑफिस से निकल के जा रहे थे, बरकतें प्राप्त करके, जो कि बरकतें मिल चुकी थी, अब आए ऐसाओ, पापा ले आया, तैयार है मीट। काफी अच्छा सलाद भी बनाया इसके साथ, आपको सलाद पसंद है ना, खाइए आप, समझ मानी है। और ये रसगुल्ले और मिठाई जो आपको हमेशा से पसंद थी, लीजिए खाइए। अब बाप चौंक गए, तो फिर वो कौन था जिसे मैं आशीषें दे चुका हूं? अब प्लेट धम से रखी, आशीषें दे चुका हूं, आपने तो मुझसे कहा था, अब मैं हूं ऐसा, मैं बना के लाया हूं खाना। उन्हें ओ लेकिन बेटा, मैं तुझे बरकत देना चाह रहा था, तू बरकत लेना चाह रहा था, ना मेरे चाहने की, ना तुम्हारे चाहने की, ना दौड़ने वाले की, ना सोचने वाले की, ये तो खुदा की महिमा है। बेटा वो बरकतें तो गई, अब रोए दबा के, अब समझ में आए कि आज कुछ हाथ से निकल गया। ऐसा ही एक दिन सुबह 6 से 9 बजे होगा, जब कुछ को ज्ञात होगा आज कुछ हाथ से निकल गया, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी चीज निकल गई। मैं दुआ ऐसा हो नहीं, ये बहुत छोटा मैसेज नहीं है, आओ सिद्धता की ओर चलें, इसमें बहुत ढेर सारी बातें हैं। ऐसा और याकूब, कौन पहुंचा सिद्धता की ओर? याकूब। अब से तेरा नाम जेकब नहीं, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल नॉट बी कॉल्ड जेकब, अब से तू याकूब ना कहलाएगा, फ्रॉम नाउ यू विल बी कॉल्ड इज़राइल, और तू इज़राइल कहलाएगा। जेकब मेट मल्किसेदेक, याकूब की मुलाकात मल्किसेदेक से हुई। जेकब रेसल विद दैट मैन, याकूब की एक कुश्ती हुई उसके साथ। जेकब इन द जीनियोलॉजी ऑफ क्राइस्ट, याकूब जो कि वंशावली में मसीह के। जेकब विद द 12 स्टार्स, याकूब जो कि 12 सितारों के साथ है। गॉड मल्टीप्लाइंग जेकब, खुदावन यहोवा बढ़ा रहा है याकूब को। एंड व्हाट अबाउट एसाव, और एसाव के बारे में क्या? ही बिकेम अ मलेक, वो अमलेक बन गया। एंड देन इट बिकेम अ गाग, और फिर अगाग बन गया। एंड देन ही बिकेम रोम, और फिर आखिरकार रोम बन गया। Yes. Follow that. इसको समझिए। Those same two lineages going till the last days. यही दोनों वंशावलियां आगे अंत के दिन तक चल रही हैं। Let me tell you, brother. मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई। And that other side can never understand the revelation. और जो दूसरी तरफ है, वो कभी भी मुकाशवे को समझ नहीं सकती। But somebody was predestinated. पर कोई तो था जिसको पहले से ठहराया गया। To go on to perfection. जो सिद्धता तक पहुंचे। And God gave him that enough strength. और खुदावन ने उन्हें पर्याप्त सामर्थ्य बल दिया। God gave him enough courage. खुदावन ने उसको पर्याप्त प्रोत्साहन दिया, हिम्मत दी। And opened the doors for him. और द्वारों को खोला उसके लिए। To reach on to his perfection. ताकि वो अपनी सिद्धता तक पहुंच पाए। And for the other one. और दूसरे के लिए। All the doors were shut. सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। It was all predestinated. ये सब पहले से ठहराया गया था। Now you and I today who are sitting here or listening to this message. अब आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ संदेश को सुन रहे हैं बैठ के, need to find out. ये हमें खोजने की जरूरत है। What were we predestinated for? कि हम किसके लिए पहले से ठहराए गए? जिसका ब्रदर predestination नहीं होगा ना, वो अगला पता क्या करेगा? टेप बंद करके जोर से ठहाका मार के हंसेगा इन बातों पे। ठीक है यार, हो गया।
सुन रहे हैं आप? Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा. But there's somebody who's elected. कोई है जो कि चुना हुआ है. He will think on these things. वो इन बातों पे सोचेगा. It's high time that you think. ये बहुत ज्यादा समय हो गया कि अब आप इस इनको सोचिए. Make your calling and election sure. अपने बुलाए जाने और चुने जाने को पक्का कीजिए. And understand which side you belong to. और ये समझिए कि किस तरफ से आप हैं. Because the next time, the next paragraph which we are coming to. क्योंकि जो अगली दफा अगले अनुच्छेदों में हमारे हैं. It'll be impossible for those to return back. ये अनहोना होगा उनके लिए कि वापस लौट पाए. And we are going to see certain things. और हम कुछ खास चीजों को देखेंगे. May God reveal it to you and me. काश खुदावन आप पे और मुझ पे इस बात को जाहिर करे. Predestinated for an adoption. पहले से ठहराए गए एक पुत्र अधिकार के लिए. जिनका अडॉप्शन है उनका टेस्ट है. Yes. जिनका अडॉप्शन नहीं है उनका कोई टेस्ट नहीं. जिनका टेस्ट नहीं वो बहुत खुश. So, खुशी और इत्मीनान और सरफराजी ये निशाना नहीं कि खुदा आपके साथ है, लेकिन जिनका अडॉप्शन है उनका टेस्ट है, उनके ट्रायल्स हैं, फिर वो पास भी करते हैं, वो खुश भी होते हैं. एंड फाइनली दे मेक इट टू दैट डे. और आखिरकार वो उस दिन तक पहुंचते हैं When they are adopted. जब उनका पुत्र अधिकार उन्हें मिलता है. Let us go on to this perfection. आइए हम उस सिद्धता तक पहुंचे. God bless you. खुदावन आपको आशीष दे. Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के शाम के इस मौके के लिए जब हमने इस वचन को देखा. दुआ है इस पे मनन करने का हम में से हर एक को मौका दें, सुनने वालों के हृदय छिदें और वो समझ पाए कि खुदावन आपका चुनाव क्या देखता है, आपका पहले से ठहराया जाना और पूर्व ज्ञान क्या देखता है. हमें ये समझने का फजल दें और कैसे एक मैसेंजर जो उस युग के लिए भेजा गया और आज भी एक मैसेंजर आज के युग के लिए भेजा गया में से पवित्र आत्मा कहता है आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें. और ये चुना हुआ ही है जो सिद्धता की ओर बढ़ सकता है. काश हम उस चुने हुए झुंड में पाए जाएं. आपका नाम मुबारक हो. ये संदेश हम आपके लिए सौंपते हैं और आपकी महिमा के लिए कि जो सुने इससे आशीषें पाए. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो. हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं. हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं. बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है. आमीन. सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय. गॉड ब्लेस यू. आमीन.